Hello. हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सबने राम राम। और ये हमारी क्लास, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ओके, आई थिंक वी आर लाइव एंड सो एक सेकेंड में एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। एंड सबने राम राम। और ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू नो व्हाट टू डू, यू कैन कॉल, यू हैव टू कॉल, यू कैन नहीं, ठीक है। एंड ये हमारी है मैराथन क्लास HCS और आज आपके कवर अप होंगे नेशनल के करंट अफेयर, 2 साल के करंट अफेयर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें जुलाई 2021 तक के मैंने करंट अफेयर रखे हुए हैं, अगस्त वाला महीना आपका बचा हुआ है। अगस्त के जिसने कर रखे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरी तरफ से आपको एक PDF मिल जाएगी जिसमें आपको अगस्त के करंट अफेयर मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये ऐसे अपन प्रोसीड करेंगे। और आज अपनी सेकेंड लास्ट क्लास है, कल अपनी आखिरी क्लास रहेगी ज्योग्राफी की। जो नए स्टूडेंट हैं दे कैन They have to download the app Dr. Amit Academy। और उसके बाद जो क्लासेस हैं उनके लिंक शेयर किए जाते हैं। आज वैसे भी सेकंड लास्ट है, कल की क्लास का, और बाकी आगे आने वाले दिनों के लिए भी you have to download the application। और ये हमारा शेड्यूल था, सारी की सारी अपनी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हरियाणा GS, करंट अफेयर्स आज अपनी लास्ट क्लास, सेकेंड लास्ट, एंड ज्योग्राफी आपकी कल रहेगी जिसकी PDF आपको कल मॉर्निंग में 10-11 के आसपास मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद क्लास के जो टाइमिंग्स रहेंगे वो भी अपन अपडेट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में ज्यादा है करने के लिए, तो हो सकता है कि क्लास के टाइमिंग थोड़े चेंज किए जाए। इवनिंग के बजाय हो सकता है कि दिन में या फिर शाम को 5 या 6 बजे अपन क्लास रख लेंगे ताकि टाइमली कंप्लीट हो सके, ठीक है। PDF का मैंने बता दिया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपडेट्स आती रहती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। एंड आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अपने बस वही है, दिमाग को शांत रखना है। आने वाले 3-4 दिन और बचे हैं, अपनी पढ़ाई पे ट्रस्ट रखो, पैनिक नहीं होना है और कोई भी लोड नहीं लेना है कि होगा नहीं होगा। नहीं होगा सोच के अगर दिमाग में लोड लोगे तो देयर आर चांसेस कि हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा इससे अफेक्ट हो जाए या फिर परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाए। बट अगर पॉजिटिवली लगे रहेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा पेपर भी जाएगा और सवाल भी अपने आराम से हो जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखो अब हम शुरू कर रहे हैं जनवरी से ही, जनवरी 2020, 20 से भी पहले के हैं ये वैसे तो एक्चुअली, ठीक है। 2020 का पूरा रहेगा, 2021 और ये सारे अपने रहेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो जो चीजें न्यूज में थी वो मैं आपके सारे के सारे कवर अप कराऊंगा। एक मिनट, ठीक है ऐसे ही रहेगा, ठीक है ओके। सो देखो सबसे पहले तो जो लोकेशंस अपने इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लोकेशन, डिफेंस और स्पेस वाले जो न्यूज हैं वो सारे के सारे बहुत डिटेल में मैंने ले रखे हैं। और स्पेशली HCS को ध्यान में रखते हुए इवन इक्वली आपके UPSC में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपका राजगीर न्यूज में था, यहाँ पे विश्व, ये विश्व नहीं है, विश्व शांति स्तूपा है आपका राजगीर, बिहार में 50th एनिवर्सरी इसकी थी इसलिए ये न्यूज में था। काफी मेरी राइटिंग देख के अब मेरे को कमेंट्स की याद आ जाती है, बहुत सारे लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है राइटिंग करने के लिए। कोई नहीं, 2-4 दिन और स्ट्रगल कर लीजिए, उसके बाद आपको राइटिंग वाली PDF तो एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा कि राइटिंग वाली PDF प्रोवाइड ना कराएं और सारे के सारे आपको प्रिंटेड PDF ही मिले, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को फील करता हूं, कई बार मुझे ही नहीं समझ में आती राइटिंग। सो दैट इज अ जेन्युइन कंसर्न। उसके बाद अपना ममल्लापुरम न्यूज में था, ममल्लापुरम आपका जो है वो चेन्नई के पास है, 60 किलोमीटर्स। और यहाँ पे इंडिया और चाइना की जो है इनफॉर्मल समिट हुई थी, इससे पहले वुहान में समिट हुई थी, तो ये ध्यान में रखना है, ममल्लापुरम इंडिया चाइना समिट। एंड पल्लवाज का यहाँ पे सारा का सारा आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर, शो टेंपल्स बोलते हैं इनको, पांडव्स के हैं, अर्जुना, और ये भी ध्यान रखना है कि अर्जुना पेनन से संबंधित या फिर शिवजी, गंगा, वो सारा UPSC में भी आया था तो वो आपको पता ही होगा। और कौन से रिलीजन से संबंधित है, ये वैष्णवाइट रिलीजन से संबंधित है। वैष्णवाइट क्या होते हैं आपके V और A अलवार्स, ठीक है। नैनार्स क्या होते हैं अपने शैवाइट्स, ठीक है। फिर हमारा जैसे 4 मीनार न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए 4 मीनार। देखो जो चीज न्यूज में होती है उससे रिलेटेड अपने को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली जिस कारण से न्यूज में थी वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट उससे संबंधित चीजें आपसे जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको फिर अपना, जैसे चार मीनार है, ये किसने बनवाया, कहाँ पे है, हैदराबाद में मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने ये बनवाया था। और इंडो सार्सनिक ईरान इन्फ्लुएंस इस पे था। आर्किटेक्चर के बारे में अगर देखें तो थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मार्कंडेश्वर शिव टेम्पल, ये हमारा न्यूज में था। एक तो ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है, ये वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी की आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं महाराष्ट्र में, और इसी को ही अपन बोलते हैं मिनी खजुराहो टेम्पल। फिर आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो जो है वो किन्होंने बनाए थे, तो आपको चंदेला से मैंने याद करवाया था, तो चांद चंदेला किंगडम में रहेगा वो। फिर हमारा गुरुद्वारा ननकाना साहिब, जो हमारा करतारपुर कॉरिडोर आपका बनवाया गया है, तो उससे संबंधित है। ये ननकाना साहिब कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान में पड़ता है, नियर लाहौर। फिर हमारा जैसे गुरुद्वारा एक्ट जो है वो आपका कब पास हुआ था, 1925, इससे रिलेटेड संबंध जो अपने इंफॉर्मेशन है ये ध्यान रखनी है। फिर जैसे आपका एक तुर्की में चोला म्यूजियम था जिसको अभी मॉस्क में कन्वर्ट किया गया है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि चोला की कैपिटल और वो देख लेना, ठीक है। फिर हमारा आता है कि जैसे जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर रहता है उसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया था, जो उसका मेन शिखर जो रहता है, ठीक है, विमान बोलते हैं साउथ में, और जो अपना शिखर रहता है वो बोलते हैं नॉर्थ में। उसमें फिर अपना यहाँ पे मंडप बोला जाता है। मंडप क्या होता है, जो आपका ये असेंबली हॉल जहाँ पे पिलर्स वगैरह लगे रहते हैं वो होता है आपका मंडप। और यहाँ पे एक टर्म और आती है विजयनगरा किंगडम से संबंधित, कल्याण मंडप, वो होते हैं हमारे मैरिज हॉल्स, ठीक है। फिर हमारा आता है गर्भगृह, वो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे देव को स्थापित किया जाता है, डेटी को, तो सैंक्टम सैनिटोरियम जो होता है उसको क्या बोला जाता है, अपना गर्भगृह। फिर आपको जैसे मणिपुर में मैती कम्युनिटी आपकी न्यूज में थी, इनसे संबंधित अपना लाय हरोबा जो है डांस आपको ध्यान रखना है, ये इससे संबंधित है। और फिर सूरजकुंड लेक जो हमारे हरियाणा के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले चीज तो है कि भाई किसने बनवाई थी, सूरजपाल, 10th सेंचुरी, तोमर डायनेस्टी, और 1987 से अपना ये मेला आपका शुरू हुआ था। फिर आपका न्यूज में था अंबुबाची जो मेला है ये आपका कामाख्या देवी के लिए बनाया जाता है। कहाँ पे है ये, गुवाहाटी आसाम। यहाँ पे आपके 51 शक्तिपीठ हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, नंबर याद रखना है, ठीक है। फिर हमारा जैसे नेक्स्ट जो न्यूज में है वो है जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल, ये कहाँ पे है, पुरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा है तरातरिणी और जगन्नाथ दोनों ही याद रखना है। तरातरिणी भी आपका उड़ीसा में ही है, कहाँ पे है, ब्रह्मपुरी, ठीक है, ब्रह्मपुरी उड़ीसा, ये ध्यान रखना है, तरातरिणी टेम्पल। कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ऑलरेडी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है, उसके आपने डाउनलोड कर ही ली होगी, या फिर अपना साथ में अभी नोट करते हुए चलें अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो फिर अपना ये रहेगा। फिर नेक्स्ट में जैसे काला कुंभ आपका न्यूज में था। काला कुंभ क्या है, इट इज बेसिकली ए हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल, जीआई टैग जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और उड़ीसा में आपका हुआ था, ठीक है। फिर तमिलनाडु में तमिरापानी रिवर पे अपना पुष्करम, ठीक है, पुष्करम फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल तो अपना राजस्थान का है। पुष्करम फेस्टिवल 12 रिवर्स पे मनाया जाता है और 12 साल में एक बार मनाया जाता है, तो ये इस बार अपना 2018 में तमिलनाडु पे था, ठीक है। आदि महोत्सव, वैसे तो लगेगा कि ये कोई पुराना महोत्सव है, बट आदि महोत्सव आदि लोगों से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आदि लोग कौन है, अपने ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स की कौन हो जाएगी, मोटा, MOTA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। यहाँ पे नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इन्होंने बनाया था, मार्केट एक्सेस उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए। फिर अपना बिहू जो डांस है वो कहाँ का है, असम का। फिर मेरू जतरा याद रखना है, मेरू जतरा जैसे सेल्फ पेन जो आप इन्फ्लिक्ट करते हैं उससे संबंधित ये आपका है, तो मेरू जतरा फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। मेरू जतरा कहाँ का है आपका, उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा का एक है नबा कलेबार, वहां पे जो दैतीस होते हैं उनको दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाता है, न्यूली एस्टेब्लिश किया जाता है। नबा कलेबार भी याद रखना है एंड मेरू जतरा भी याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे। नोखई जुआर भी इसी का ही है, उड़ीसा का, बट ये सीजन, क्रॉप सीजन का फेस्टिवल है, नोखई जुआर, ठीक है। अब देखो HCS से संबंधित हो सकता है, इतना डिटेल में आपसे ना पूछें, ये मैंने यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए किया है, बट HCS रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही मैंने इसमें रखी है कि अगर सवाल आ सकता है तो इससे बाहर आने की संभावना आपकी नहीं है, यही रह जाएगा। लोथल अपना कहाँ है, गुजरात में, कौन सी रिवर पे था, साबरमती रिवर पे। फिर आपकी इडक्कल केव्स आपके न्यूज में थी, इडक्कल पिडक्कल ऐसी कोई भी चीज आती है तो आपकी केरला में, ठीक है। फिर हमारा अदिचनल्लूर, ये आपके क्रेडल ऑफ एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन की एक लोकेशन है, ये यहाँ पे एक्सकेवेशन के लिए न्यूज में थी, ठीक है। फिर सन टेम्पल कोणार्क आपको पता होना चाहिए, कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में। सिंपल सा सवाल आएगा कि ये किधर है, लोकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा रहेंगे, ठीक है, अगर सवाल आता है तो। फिर पड़क्कल मोमेंट्स आपके कौन से स्टेट में आता है, कर्नाटका में, ये यूनेस्को कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। भीमबेटका अपने को पता ही है, मध्य प्रदेश, एंड नर्मदा रिवर पे ये मिलते हैं, नर्मदा वैली में। फिर हमारा रानी की वाव न्यूज में था, पठान, पठान कहाँ है गुजरात, पठान पटन पटोला, ये आपकी सारीज होती हैं, ये भी गुजरात की ही हैं, ठीक है। फिर जो नेशनल पार्क वगैरह आप सारा मिक्सअप चलेगा, कहीं नेशनल पार्क कहीं आर्किटेक्चर, तो सारा उसी हिसाब से ये अपना चलेगा। तो काजीरंगा जो हमारा नेशनल पार्क है, अब वैसे अपने आई थिंक इसके आ रहे हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क अपना कहाँ है आसाम में, ठीक है। केवलादेव कहाँ है राजस्थान, ये अपने को पता ही है। मानस कहाँ है आसाम में, ठीक है। सुंदरबन आपके सुंदरीवन वाले कहाँ पे हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है हमारा उत्तराखंड में। ग्रेट हिमालय जो आपका नेशनल पार्क है वो आपका हिमाचल में आता है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो कोई भी अगर एक आधी मिनट से ऊपर नीचे होता है बोलते टाइम, कई बार दिमाग ऐसा हो जाता है आपको इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है या फिर ओवरलैप हो जाती है, तो आप उसमें कमेंट कर देंगे, उसको अपन करेक्ट भी कर लेंगे, और अगर मतलब जो भी डाउट है वो भी कर लेंगे। कल एक अपन डाउट से संबंधित भी मैं मैसेज डाल दूंगा, जिस चीज का जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है कि सर इसका क्या आंसर होना चाहिए, फाइनल आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा विद इन 1 डे। कल एक आप सारे के सारे डाउट मुझे बता देंगे मैसेज डालने के बाद, ठीक है। फिर हमारा देखो कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, ये द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। मिक्स्ड क्या होती है आपकी कल्चरल एज वेल एज जो एंथ्रोपोलॉजिकल मैनमेड उनको मानते हैं तो वो अपनी रहती है, ठीक है। तो मिक्स्ड एक ही है कंचनजंगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके विल वेट। मिक्स्ड हो गया। फिर हमारा मांडू न्यूज में था, ये नॉमिनेट करी गई है, कहाँ की है मध्य प्रदेश की यूनेस्को के लिए, ठीक है। फिर जयपुर सिटी जो यूनेस्को साइट में क्रिएटिव साइट में भी डाली गई थी सिटी में, तो वो आपकी थी, तो आपको पता होना चाहिए जयपुर किसने बनाई थी, सवाई जयसिंह ने 1727। फिर हमारी पहली जो सिटी आपकी इसमें ली गई थी यूनेस्को में वो अपनी कौन सी थी अहमदाबाद, तो इसको सिटी का टैग मिला था यूनेस्को सिटी, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। मुदियट्टू, मुदियट्टू ये डांस एंड ड्रामा आपका है, कहाँ का है केरला, मोहिनीअट्टम मुदियट्टू ये सारे सारे पता होना चाहिए। प्लस एक जो ज्योग्राफी की मैप वाली वीडियो है वो आप देख लेना, उसमें सारे की सारी लगभग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी रिकॉर्डेड है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है दोबारा से प्रॉब्लम रहे, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। संकीर्तना, संकीर्तना है हमारे मणिपुर के, ठीक है, मणिपुर में कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तना उधर करेंगे। पटोला मैंने आपको बता दिया, पटन पटोला सिल्क टेक्सटाइल है, कहाँ की गुजरात की, ठीक है। कलरी पट्टू, फिर आपको मार्शल आर्ट्स पता होना चाहिए, यूपीएससी में ये सवाल भी पूछा गया था 2014 में, तो आपको कलरी पट्टू थंगथा, ठीक है, ये सारे के सारे घटकास पंजाब की, थंगथा मणिपुर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केरला की है कलरी पट्टू, ठीक है। रावण छाया ये हमारी पपेट्री है, शेडो पपेट्री, ये किधर की अपनी उड़ीसा की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहीं पे अपना जैसे तेलंगाना का एक न्यूज में था रमप्पा टेम्पल, ठीक है, काकतिया टेम्पल, रमप्पा काकतिया टेम्पल, तो ये हमारा जो है वो आपका तेलंगाना में है 1213 सीई, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। फिर एक सेकेंड, ओके। फिर हमारा जैसे जो जो सिटीज थी, देखो वाराणसी को म्यूजिक में मिला था, जयपुर को 4 सिटीज अपनी यहाँ पे हैं, जयपुर को आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में मिला है, ठीक है। फोक गैस्ट्रोनॉमी ये आपका खाने वाने से संबंधित था, ये आपको हैदराबाद में मिला है, मुंबई को मिला है फिल्म कैटेगरी में, ठीक है, चेन्नई म्यूजिक में आ जाएगा, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का इनको टैग मिला हुआ है। मोदी स्क्रिप्ट, देखो मोदी कहाँ से थे गुजरात से, बट कैसे याद किया था अपन ने, ये हिस्ट्री में भी था महाराष्ट्र से, ठीक है। फिर हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, टोटल 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। रिसेंट जो हमारी ऐड हुई है वो है उड़िया लैंग्वेज, उसके अलावा आपकी तमिल, देखो साउथ वाले ज्यादा है, तमिल तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम, और एक हमारी क्या आ रही है संस्कृत, ठीक है। फिर आपकी पोहार ये एक एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, बनाई कहाँ पे जाती है, ये ट्राइबल से संबंधित है, टोडा ट्राइब्स, ये टोडा मिलती है अपनी नीलगिरी में, ठीक है। एक आपका पौधा सा होता है, फूल सा आता है बड़ा सा, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। कथकरी ट्राइब्स, देखो गदकरी कथकरी ये अपनी महाराष्ट्र और गुजरात में आती हैं, कथकरी ट्राइब कहाँ पे अपनी महाराष्ट्र। सिद्धि ट्राइब आपकी न्यूज में रहती हैं बार बार, ये आपकी मेजरली कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश इन 4 स्टेट्स में मिलती हैं। इनका जो ओरिजिन है वो अपना कहाँ से है साउथ ईस्ट अफ्रीका, ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा जैसे उड़ीसा का है धलकई फोक डांस, ठीक है, ये राधा कृष्ण रामायण और महाभारत पे बेस्ड है। धलखई, ठीक है, दालखाई, दालखाई, दालखाई कहाँ पे खाई? दालखाई, दालखाई आपने उड़ीसा में, ठीक है, दालखाई उड़ीसा। ये इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे इनकी जो थीम है वो अपनी जो करंट गवर्नमेंट है उससे अलाइंड है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पटोला अपना आ गया है गुजरात। यक्षगान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यक्षगान को मार्क कर लेना। ये अपना कहाँ सा है? कर्नाटका का डांस ड्रामा है, ठीक है, इस पे भक्ति इन्फ्लुएंस भी था, ठीक है। पथ चरित्र, ये अपने जो स्क्रोल पेंटिंग्स होती हैं वो होती हैं। पथ चरित्र कहाँ, चित्र कहाँ की हैं? उड़ीसा की, ठीक है। कलमकारी, ये सवाल पूछा जा चुका है, आंध्र प्रदेश की हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही ब्लॉक पेंटिंग्स में कलमकारी भी एक ब्लॉक पेंटिंग है। बांगड़ू, बांगड़ू, बागरू बोल लो या बांगड़ू बोल लो, बागरू जो ब्लॉक पेंटिंग है वो हमारी है राजस्थान की, ठीक है, तो बागरू याद रखना है राजस्थान से। फिर एक सोहम है, सोहम एक नई चीज आई है, ये आपके कल्चरल से संबंधित है। पहला कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म एनजीएमए, ठीक है, तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से संबंधित है, उनके साथ मिलके सोहम, ठीक है। सोहम मीनिंग वंस आइडेंटिटी एंड कनेक्शन टू द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है ये, बट आपको ध्यान रखना है सोहम क्या है, ये आएगा सीधा का सीधा, तो कल्चर संबंधित ढूंढना और आपका मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। साहित्य अकेडमी हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, वेरी वेरी सिंपल। फिर हमारे आते हैं जैसे कोदावा, एक कम्युनिटी है कोदावा कम्युनिटी, उनको आर्म्स रखने का लाइसेंस है इंडिया में, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ की? कुर्ग, कर्नाटक की, ठीक है। फिर अपना दारा शिखो जो औरंगजेब का भाई था, तो दारा शिखो ने गीता और उपनिषद को पर्शियन में कन्वर्ट किया था। शेर पंजाब का जो टाइटल है वो किसको मिला हुआ है? अपने महाराजा रणजीत सिंह को। पत्थलगढ़ी मूवमेंट, पत्थर पे अपनी जो संविधान थे वो ये लोग लिख देते थे, तो पत्थलगढ़ी मूवमेंट आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? झारखंड, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये अपन ने हिस्ट्री में भी कर लिया है। गोपाल कृष्ण गोखले, पहली वुमेन हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, ये अपन कर चुके हैं। होम किंगडम कर चुके हैं, असम का है। चारलोंग शकापा, ठीक है, चारलोंग, चारलोंग याद रखेंगे बस, ए फॉर अहोम, ए फॉर असम, ऐसे अपन ने याद किया था। ये हमारा कहाँ पे हिस्ट्री में हो चुका है। कुछ कुछ चीजें जो हमारी पुरानी हो चुकी होंगी उनको थोड़ा सा अपन फास्ट लेके चलेंगे। देन तमिलनाडु में पोम्पूर एक पोर्ट सिटी है, इसको डिजिटल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दोबारा से सारा का सारा, तो इसलिए ये न्यूज में था, तो पोम्पूर याद रखना है। फिर पांड्या की जो कैपिटल थी वो हमारी क्या है? मदुरई, ठीक है। फिर पोदुका या अरिकामेडू, ये जो टर्म है ये आपकी यूज करी जाती है स्पेशली पौंडीचेरी के लिए, ठीक है। एंशिएंट टर्म्स में अगर आए, अरिकामेडू क्या है? पौंडीचेरी, पोदुका क्या है? पौंडीचेरी, ठीक है। फिर हमारा एक ये दो प्रोग्राम है आपके ध्यान रखना है, एक तो है स्टार्स प्रोग्राम, स्टार्स डीईए प्लस आपका जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। डीईए क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्लस वर्ल्ड बैंक प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मिलके टीचिंग लर्निंग को अपना प्रमोट करना चाहते हैं। और इसमें एक परख होगा, परख क्या होता है? बेसिकली असेसमेंट, तो हिंदी में से आपको पता चल जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट नेशनल लेवल पे। एमटीपी एक्ट है, उसमें जो बिल लाया गया है उसमें जो चेंजेस करे गए हैं कि भाई आप पहले 20 वीक तक ही करते थे, अब 24 वीक तक आप प्रोवाइड कराएंगे। और पहले 16 और 20 पे जो क्राइटेरिया होता था, 16 वीक तक अगर एमटीपी करनी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 16 वीक तक एक मेडिकल ऑफिसर अगर लिख के देगा आरएमपी, या फिर अगर 20 वीक तक चला गया है तो 2 आरएमपी। बट अभी क्या करा है इन्होंने कि भाई अगर 20 तक है तो हमारा 1 ही दे देगा, और 24 तक है तो 2 दे देंगे, ठीक है। और उसमें कई कैटेगरी में भी चेंजेस करे गए हैं, जो जैसे रेप विक्टिम्स होते हैं तो उनको और ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि भाई वो टर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो इवन आफ्टर 24 वीक्स स्पेशल केस कैटेगरीज में रख के उनको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। देन हमारा जैसे विजन 2035, ये है पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस से संबंधित, किसका है? नीति आयोग का, ठीक है। फिर हमारी थारू ट्राइब्स न्यूज में थी। थारू ट्राइब्स कहां से हैं? यूपी से। थारू इस तराई, देखो थारू तराई से संबंधित है, तराई जैसा लग रहा है, तो तराई लोलैंड अपना कहां है? यूपी। और इनका जो आपका रिलीजन था ये था बुद्धिज्म रिलीजन, थेरावादा बुद्धिज्म, ठीक है। थेरावादा क्या होता है? ओल्ड बुद्धिज्म, थेरावादा, ठीक है। फिर है MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको आपका बेचने के लिए ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, किसमें? वंदन विकास केंद्र, ट्राइबल प्रमोशन के लिए आपकी ये स्कीम है, ठीक है। फिर हमारा बॉन्डर जो ट्राइब्स हैं वो कहां की हैं? उड़ीसा की, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर्स, देखो ट्रांसजेंडर आपके सोशल में आ जाते हैं, तो अपनी सोजस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसके अंदर आएंगे। फिर जो अभी वुमेन की एज को लेके मैरिज की एज को बढ़ाने की बात चल रही है वो है हमारी जया जेटली कमेटी, ठीक है, तो जया एंड जेटली दोनों आ गए इसमें, ठीक है। थंगता मैंने बता ही दिया था, मणिपुर। मोनपा जो पीपल्स हैं, मोनपा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। गरबा जो डांस है, जी फॉर गरबा, जी फॉर गुजरात, ये सबको पता है, ठीक है। फिर चन्नपट्टा टॉयज आपके जीआई टैग मिला है, ये वुडन टॉयज है कहाँ के? कर्नाटक के, ठीक है। वर्ली ट्राइब्स, वर्ली एंड उर्ली, ये आपके कहाँ पे आ जाएंगे? महाराष्ट्र के, ठीक है। फिर हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अब हमारी आ रही है सारे की सारी रिपोर्ट्स, जो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं, उनको एटलीस्ट देखते हुए चलना है। इसमें भी आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की तो पता ही होना चाहिए और नीति आयोग की, ये तीनों रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। देज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक बताएगा, देखो वर्ल्ड बैंक की सारे देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या होगी, डेवलपमेंट, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट। फिर डेवलपमेंट हुई तो इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट्स भी देखेंगे कि भाई इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट लिविंग के कैसे हैं, अच्छे हैं जी। प्लस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, इसमें तो इंडिया ने बहुत ज्यादा ही इंप्रूवमेंट करी थी, तो ये सारे के सारे ध्यान रखते हैं किसकी होगी, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक प्लस WHO, क्योंकि हेल्थ है तो यही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स आपका बनाता है। OECD हमारा क्या, आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट रहता है उसको असेस करते हैं। इंडिया की रैंक 72 रही थी आउट ऑफ 74 पिछले कुछ साल पहले जब लास्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया था। फिर हमने क्या कहा कि चलो अब तो पार्टिसिपेट करने से रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, पीसा याद रखना है, OECD, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। देखो जिसमें मैं बोल दूंगा कि स्पेशली अगर फोर्स किया जाता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, उसको तो आपको स्टार मार्क कर लेना है साइड में और उसको जाने से पहले फिर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये अपन बार बार देख चुके हैं, IMF आज सुबह भी अपन ने किया था, और इंडिया की जो रहेगी वो इसकी किसकी हो जाएगी, RBI की। WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देखो WEO मैंने क्या बताया था, पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, वर्ल्ड बैंक, बट आपको क्या करना है, IMF, ठीक है, क्योंकि IMF लेके आती है। W से W मैच नहीं करेगा, IMF मैच करेगा। वर्ल्ड का ट्रेड आउटलुक ये WTO लेके आता है, ठीक है भाई। जेंडर पैरिटी, पैरिटी कौन करता है, एजुकेशन से आएगी, कल्चर में आएगी, ऐसे चलेगा। तो यूनेस्को में क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो पैरिटी लेके आ रहा है यूनेस्को। और भी हमारे आएंगे जेंडर से संबंधित 3-4 हैं, वो सारी अपन इकट्ठी देख लेंगे, ठीक है। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ का जो क्राइम है वो ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम लेके आता है, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड क्राइम, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन बताएगा, आपका UNCTAD। UNCTAD क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहां से होगी, इन्वेस्टमेंट से, तो ऐसा हो जाएगा। ग्लोबल असेसमेंट फॉर डिजास्टर, ठीक है, UN डिजास्टर लेके आता है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट किसकी की जाती है, डिजास्टर की, तो ये कौन लेके आएगा, अपना UN डिजास्टर। फिर हमारा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कौन लेके आएगा, UN पॉपुलेशन फंड। बट फिर हमारा नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट, तो ये UN हैबिटेट, हैबिटेट किसकी अच्छी होनी चाहिए, सिटी की, क्योंकि आजकल अपनी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो सिटीज में ही रह रही है, तो ऐसे याद रखेंगे, तो UN हैबिटेट, ठीक है। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस है SDSN याद रखना है और UN याद रखना है, ठीक है। UN भी नहीं आएगा, UN SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन एंड नेटवर्क, सिर्फ UN भी ऑप्शन में मिल सकता है, सिर्फ SDSN भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन ये किसको चाहिए, हमारे लेबर्स को चाहिए। प्लस वेज रिपोर्ट, वेजेस किसकी, लेबर की, तो ये कौन लेके आ रहा है, ILO 1919, ठीक है, तो ये अपना रहेगा। देखो ये आ गया भाई, जेंडर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी आपका किसमें है, UNDP। जेंडर गैप, गैप है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, तो जेंडर गैप बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, DP, और यूनेस्को की अपनी क्या होगी, पैरिटी। फिर हमारा देखो ग्लोबल एनवायरमेंट का आउटलुक और एमिशन, एमिशन भी एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, तो एमिशन का गैप प्लस एनवायरमेंट का आउटलुक अपन किससे देखते हैं, अपना UN एनवायरमेंट, इट इज सिंपल, ठीक है, तो UN एनवायरमेंट इसका हो जाएगा। वर्ल्ड माइग्रेशन वाला माइग्रेशन ही लेके आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल। फिर हमारा AIIB, इसका अपन ने क्या देखा था, B से लास्ट में इसका जो हेडक्वार्टर है कहां रहेगा, B4 बीजिंग, तो ये आपका लेके आ रहा है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस रिपोर्ट, दैट्स इट। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, देखो ऑयल का हमारा कौन है, OPEC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, तो ये हमारा लेके आता है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। फिर आपकी जो रेड बुक है, ठीक है, रेड डाटा बुक डिफरेंट है, ये हमारी रेड बुक है, रेड बुक है IAEA की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। रेड बुक आपकी एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इससे संबंधित रहेगी। वर्ल्ड की एनर्जी आउटलुक ये सिंपल है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दैट्स इट। रेड लिस्ट किसकी है, IUCN की। रेड लिस्ट में सारा का सारा बताता है कौन से भाई वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, वो सारी चीजें बताई जाती है, एक्सटिंक्ट है। IUCN क्या है, अपना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा क्या है, द एनर्जी रिपोर्ट और लिविंग प्लैनेट, तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का फंड जो है वो बनाया गया है। एनर्जी, देखो एनर्जी के बारे में बताएगा और लिविंग प्लैनेट लिविंग है या नहीं है, ठीक है। फिर CPI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी पुलिस है वो सबसे ज्यादा करप्ट है, जुडिशरी सेकंड नंबर पे आती है इंडिया में, और इंडिया की रैंकिंग अभी 80 या 81 के आसपास थी, दैट्स इट, ठीक है। तो CPI ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट भी लेके आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट भी लेके आता है। कल अपन ने हरियाणा वाला किया था, तो हरियाणा की रैंकिंग इंडिया में कौन सी थी, 17th, ठीक है, ये हो गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स भी है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब वो हर जगह काम करते हैं। इट इज एन एनजीओ। अब रिपोर्टर है तो रिपोर्टिंग जैसे ही लेके आएगा, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये लेके आता है, डेथ पेनल्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारे ह्यूमन राइट पे काम कर रही है तो वो लेके आ रही है इसको, सिंपल ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है। इफ्प्री, इफ्प्री क्या है अपना इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फूड पॉलिसी पे रिसर्च कर रहा है इसीलिए कौन सी लेके आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। इकोनॉमी फॉर 99% ये है ऑक्सफैम की फेमस रिपोर्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वॉक फ्री, वॉक फ्री कैसे याद रखेंगे, वॉकिंग फ्री कौन, स्लेवर, स्लेव्स जो है, स्लेव्स आर वॉकिंग फ्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्लेव्स से संबंधित, तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ठीक है। इसमें अपने जो डोमेस्टिक हाउसवाइफ्स भी हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं स्लेव्स की कैटेगरी में आती हैं अकॉर्डिंग टू देम, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा जर्मन वॉच है, इसकी दोनों याद रखनी है, जर्मन वॉच की, जर्मन वॉच प्लस क्लाइमेट एक्शन, तो ये एक तो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट का रिस्क बताता है, प्लस आपकी परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज में परफॉर्मेंस के कितना आप उससे कर पाए हैं, ठीक है। फिर ये सुबह भी देखा था फाइनेंशियल सीक्रेसी किसके हो गए, टीजे एंड टैक्स जस्टिस, सीक्रेसी जस्टिस, ठीक है। ग्लोबल पीस या ग्लोबल टेररिज्म, देखो टेररिज्म को खत्म करोगे तो पीस आएगा, बट पीस के साथ इकोनॉमी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस, तो टेररिज्म एंड पीस इंडेक्स किसका हो गया, इकोनॉमी एंड पीस का। डेमोक्रेसी इंडेक्स तो अपना सिंपल है, बट यहां पे भी क्या आ रहा है इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ यूके और लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल जी है ये ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट का है। फिर अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MDPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये हमारा UNDP, UN का याद रखेंगे, सिर्फ UN भी ऑप्शन में हो सकता है, UNDP भी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के साथ ये लेके आता है। अब हमारे इंटरनेशनल लगभग सारी रिपोर्ट्स हो गई हैं जो इंपॉर्टेंट थी, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपको बता दी, बट अब हम आते हैं इंडियन पे। तो सबसे पहले तो हमारी यही है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आता है, ठीक है। बोटनिकल सर्वे की हमारी कौन सी रिपोर्ट है, रेड डाटा बुक, देखो रेड लिस्ट अलग है, रेड बुक अलग है, रेड डाटा बुक अपने है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। फिर हमारा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, देखो गुड गवर्नेंस DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। फिर CPCB हमारा क्या था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किसमें बना हुआ है, वाटर एक्ट में, और इसकी कौन सी है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स बताता है। अगेन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी किसका है, CPCB का, तो ये ध्यान रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका किसका है, नीति आयोग का। इंडिया एट 75 भी नीति आयोग की ही बुक है, 3-year एजेंडा भी आपकी नीति आयोग की ही बुक है, तो नीति आयोग के तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। प्लस नीति आयोग एक वुमेन संबंधित भी लेके आ रहा है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिपोर्ट, तो ये हमारा हो जाएगा नीति आयोग का, ठीक है। फिर नीति आयोग आपका ब्लॉकचेन पे काम करेगा, तो हमारा ब्लॉकचेन इंडिया स्ट्रेटेजी भी किसकी है, नीति आयोग की, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर हमारा जो नेक्स्ट, ठीक है 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट, हाँ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, देखो वाटर तो जल शक्ति प्लस नीति आयोग, मोस्पी स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल आज अपने 17 के 17 याद किए थे, SDG का यहाँ से इंडेक्स आता है, SDG इंडिया इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी भी कौन लेके आएगा, नीति आयोग प्लस MHRD आपका एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, देखो ये दो अलग अलग है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, ये उल्टा हो गया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, विपो, NCERT, ठीक है, ये आपका लेके आएंगे कौन, अपनी ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है, विपो है ये VIPO, और इंडियन इनोवेशन आपका है नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। फिर BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑब्वियसली ये किसके बारे में बात करेगा, एनर्जी, तो एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग, अपन लिविंग किस में बात करते हैं, अर्बन, तो ये आपकी किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की। इसकी एक और है आपकी, ये है आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसी में ही हरियाणा ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था, तो ये ध्यान रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण, ईज ऑफ लिविंग, तो ये हमारा हो गया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम देख चुके हैं किसकी है, RBI की। रेजिडेक्स अपन ने सुबह भी देखा था किसका है, नेशनल हाउसिंग बैंक का। अभी सारे के सारे रिपोर्ट एक साथ हैं तो एक साथ देख रहे हैं। देखो प्रथम एक NGO है, ये रिपोर्ट लेके आती है ASER यानी एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल सर्वे, ठीक है, जिसमें बताते हैं कि भाई 8वीं वाला 5वीं भी नहीं पढ़ रहा, इस टाइप वाली, ये वाली जो रिपोर्ट है ये इसकी होगी। ग्रीन एक्स, ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कंपनीज आ रही हैं उसमें हमारी आ रही है ग्रीन एक्स, तो ये कौन लेके आ रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, सॉरी इंडेक्सेस हैं 3-4, उसके आपको ये भी बताना चाहिए कि भाई उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक थी 131, लेटेस्ट यही मिली है, उसके अलावा नहीं। तो इसमें आपके एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी देर, हेल्थ एजुकेशन प्लस इनकम, तीनों चीजें रहेंगे। देखो हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन कितनी है, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम कितना है, ये तीनों मिला के अपना क्या बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यहाँ पे भी आपकी तीन चीजें, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के साथ अपना आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर में बहुत सारी चीजें आते हैं, एक तो आपको खाना नहीं मिल रहा तो अंडर नरिश हो सकते हो, वेस्टिंग हो सकती है, स्टंटिंग हो सकती है, प्लस मोर्टेलिटी हो सकती है। तो ये चार चीजें इसमें आएंगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये कौन लेके आता है, WEF, ठीक है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, जिसका आपने क्या देखा था डेवोस में जो होता है, ठीक है। तो ये अपना है वर्ल्ड एयर क्वालिटी, वर्ल्ड की एयर क्वालिटी कौन लेके आ रहा है, ग्रीन पीस या फिर IQ एयर, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी डिफरेंट है, तो ग्रीन पीस और IQ एयर, एयर आ गया, एयर क्वालिटी, ग्रीन पीस, पीस, ठीक है। फिर हमारा MNRE लेके आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सरल इंडेक्स, सरल है बेसिकली हमारा स्टेट रूफटॉप, रूफटॉप में जो आपके लगाए जाएंगे उनकी ये रैंकिंग करता है कि भाई किस स्टेट ने कितना अच्छा अपना रूफटॉप में कर रखा है, तो वो हमारी रैंकिंग रहेगी यहाँ पे। तो ये रूफटॉप अट्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रहेगा। रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन 1971, अभी हमारी साइट हो चुकी है 42 प्लस 446 साइट है, जिसमें से दो अभी अपनी भिंडवास एंड सुल्तानपुर आपकी किसमें ऐड करी गई, हरियाणा में, ठीक है। अब हमारी आ रही है सारी की सारी अभी अपने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी एक जगह आ जाएंगी, कैसे याद करना है वो भी देख लेना, ठीक है। 71 में तो ये आ गई वेटलैंड, फिर 72 में आएगा आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम। फिर अपना साइट, साइट्स बेसिकली क्या है, ट्रेड से संबंधित, ठीक है, इंट्रा ट्रेड, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, तो वॉशिंगटन एक सिटी है जिसमें इंट्रा मतलब ट्रेड को रोकने के लिए हम क्या लेके आए साइट 1973। फिर बोन्स, देखो बोन माइग्रेटरी स्पीशीज, पक्षी आपके क्या करते हैं माइग्रेटरी, ठीक है, फिर UNEP के अंडर है ये, आपको ये ध्यान रखना है बोन्स, ठीक है। नैरोबी डिक्लेरेशन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, ईयर याद रह जाए, उसका याद रह जाए मैं नहीं बताऊंगा, बट आप देख लेना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। फिर हमारा है वियना कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन, इसी के अंडर आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल याद रखना है, क्योटो याद रखना है, क्योटो में अपने दो ओ आते हैं, OO, तो क्योटो CO2, CO2 क्या है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो हमारी रिपोर्ट है वो कौन सी लेके आता है अपन, वो किसके अंदर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, अर्थ समिट रियो 1992, ये ईयर याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की इन्होंने बात करी थी, तो ये अपना रहेगा। एजेंडा 21 भी यहीं से ही आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये भी अपना 1992 ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, सॉरी। फिर हमारी जो दो हैं देखो CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसमें है कार्टाजीना एंड नागोया, अभी नीचे आएंगे कार में जैसे अपना नागोया, नाग के तो है जीन्स, ठीक है, कार में भी बायोडाइवर्सिटी से ही संबंधित है। तो अब यहाँ पे देखो अब है UNCCD कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो ये डेजर्टिफिकेशन के लिए है, CO2 ग्रीन हाउस ये मैंने बता दिया, क्योटो ओ दो है 1997 92 के 5 साल बाद ये आया था। देखो रोटरडैम, ये कैसे याद करवाया था, डैम, डैम से क्या निकल रहा है हमारा पेस्टिसाइड्स वगैरह हैजार्डस केमिकल, तो रोटरडैम कन्वेंशन कौन सी हो जाएगी केमिकल पेस्टिसाइड्स। कार्टाजीना देखो कार, कार की है बायोसेफ्टी, ठीक है, कार में बैठोगे सेफ्टी, सेफ्टी के लिए अपन बैट लगा देते हैं, तो कार में कार्टाजीना प्रोटोकॉल किसकी बात कर रहा है अपनी बायोसेफ्टी की, ठीक है। REDD प्लस रिडक्शन इन द एमिशन और ये सब रहता है अपना डिफोरेस्टेशन, तो ये फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से संबंधित है 2005। नागोया क्या बताया था मैंने, जीन, नाग की जीन, तो जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज की कौन बात करेगा नागोया। फिर हमारा आता है पेरिस, सबको पता ही है 2015 क्लाइमेट चेंज 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसमें वो रखा हुआ है। इंडिया के 3-4 टारगेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि भाई 2035 वाला, 2005 के जो एमिशन है 30-35% वाला वो हो गया, ठीक है, और अपना 40% हम रिन्यूएबल से ही लेके आएंगे, ये सारा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर किगाली, किगाली भी ओजोन से संबंधित है, अभी रिसेंट आया है, किगाली पूछा जा सकता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल, क्योटो ये अपने पुराने हो गए हैं, तो ये ध्यान रखोगे, ओजोन से संबंधित अपना कौन सा है किगाली, मॉन्ट्रियल के ही आगे। स्टॉकहोम, स्टॉक अपना किस, स्टॉक हम किसका कर रहे हैं पूप का, पूप POP, ठीक है, तो ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, POP से संबंधित कौन सा हो गया स्टॉकहोम, स्टॉकिंग, ठीक है। सिप्री, सिप्री रिपोर्ट लेके आती है आपकी आम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट आपका NGO टाइप्स, तो वो हो जाएगा। इंडिया आपका सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर सऊदी अरेबिया, ये ध्यान रखना है। एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये है वीडैम, वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूट ऑन वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये आई है एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट। पावर्टी एंड द शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की आपकी कौन बात कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक। फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, देखो एक्सपोर्ट अच्छे हैं नहीं है, नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारा इंटेलेक्चुअल में भी, उसमें भी आया था, इनोवेशन में भी आया था, ठीक है। फिर देखो अब हमारे कुछ और फैक्चुअल, सबसे बड़ा इंडिया का द बिगेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है वो है रामागुंडम, कहां पे? तेलंगाना, ठीक है। ट्रीज सिटीज का स्टेटस मिला है हैदराबाद को, किसने दिया है? एफएओ, एफएओ का हेडक्वार्टर कहां है? रोम। फिर हम इंडिया में व्हाट्सएप जैसी ही एक चीज बनाना चाह रहे थे, एप्लीकेशन, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसका नाम क्या है? संदेश, तो संदेश आ सकता है कि संदेश भाई क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जनवरी 24 को अपना सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जनवरी 22 को है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे, प्रवासी दिवस 9 जनवरी गांधी जी आए थे, पहली ड्राइवरलेस जो ट्रेन है आपकी वहां पे चली है मेजेंटा लाइन में न्यू दिल्ली मेट्रो में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ड्राइवरलेस ट्रेन। गुड गवर्नेंस पता ही है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के उसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है। 100% ऑर्गेनिक जो हमारा पहला स्टेट था वो कौन सा था? सिक्किम, एंड जो हमारी यूटी हो गई है, यूटी आपकी कौन सी हो गई? लक्षद्वीप, सबसे 100% ऑर्गेनिक, ठीक है। फिर हमारा देखो काउ प्रोटेक्शन कैबिनेट पहली किसमें बनाई गई है? एमपी में, अभी यूपी में भी आ चुकी है, एमपी याद रखेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पटेल जी के बर्थ पे मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को, ठीक है। ऑपरेशन मेरी सहेली, ये कैसे याद रखना है? मेरी सहेली रेल में बैठ के जा रही है, तो इंडियन रेलवेज का है, मेरी सहेली किस में बैठ के जा रही है? रेल में, तो इंडियन रेलवेज में आपकी वुमेन सिक्योरिटी से संबंधित ये है। फिर साबरमती में केवड़िया, केवड़िया में जहां पे आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पे एयरप्लेन, ठीक है, ये चलेगा सी प्लेन, फर्स्ट सी प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। हर घर जल, सबको आपका टैप्ड वाटर अच्छा मिल जाए तो इसके लिए हर घर जल अपनी स्कीम थी, ऑल हाउस होल्ड के लिए। पहला स्टेट जिसने इसको अचीव किया है वो हमारा कौन सा है? गोवा, ठीक है। फिर है कवच, कवच एक बेसिकली कोविड-19 से संबंधित है, इनोवेटिव सपोर्ट देने के लिए, दैट्स इट। देखो कीवर्ड्स, कीवर्ड याद रखते हैं, अंदर वाला याद नहीं रखना, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ कीवर्ड ही आपको ढूंढना है कि कवच आते ही आपको क्या याद में आना चाहिए? कोविड-19, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग अपन कहां पे लहरा रहे हैं? बीच पे, तो ये बीच क्लीनिंग से संबंधित है। फिर आपका है सरोद, सरोद एक बेसिकली जैसे अपने पोर्ट्स हैं, ठीक है, अभी प्राइवेट पोर्ट्स भी आ रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रेजोल्यूट करने के लिए हमारा ये एक ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने बनाया है सरोद, ठीक है। वर्ल्ड की फर्स्ट रिलीजन पार्लियामेंट कब हुई थी? 1893, जिसमें बाद में 2-3 साल बाद अपने वो गए थे, स्वामी विवेकानंद गए थे एड्रेस करने के लिए, तो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो रियल मैंगो आ सकता है, हरियाणा में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है, हरियाणा के एचसीएस के मेंस में भी आए थे ऐसे सवाल। रियल मैंगो एक आपका इलीगल सॉफ्टवेयर है जो हमारी इंडियन रेलवेज की जो ट्रेन है उनकी कंफर्मेशन करवा देता है, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो अपन ने कैसे याद किया था? 5 सितंबर को है अपना टीचर्स डे, और 8 सितंबर यानी आज हमारा कौन सा है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो ये याद रखेंगे। पोषण माह हमारा सितंबर में ही मनाया गया था, जो अपना नेशनल पोषण अभियान है उसके अंदर, ठीक है। एक आपका नमत वसई, आपका न्यूज में था, नमत वसई एक स्कीम है केरला की जो बेसिकली जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनको मदर टंग में एजुकेट करने के लिए फोकस करेगी, ठीक है। अरुकानोमिक्स, देखो एग्रीकल्चर जो हमारी है उसको और ज्यादा इकोनॉमिकली अपना अच्छा बनाना है, तो अरुकानोमिक्स, ठीक है। अरुकोनानोमिक्स, ठीक है, अरुकोनानोमिक्स, अरुकोनानोमिक्स याद रखना है, ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कोविड के जो हैं उनसे फाइट करने के लिए जैसे सपोर्ट दी जाती है, कैश सपोर्ट वगैरह होगी आपकी, ओके डन, ठीक है, तो कैश सपोर्ट वगैरह दी जाती है, खाने का भी दिया जाता है, तो ये अपना इसमें चलता है, ठीक है। अगर बीच में बफरिंग होने लग जाती है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, मुझे यहाँ पे दिख जाएगा वैसे कि भाई बफरिंग हो रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आती है, जैसे मुझे अभी पता चल गया था कि बफरिंग हो रही है, बट हो सकता है थोड़े मोटे टाइम के लिए तो भाई टेक्निकल आ जाता है, लंबा होगा तो फिर अपन दोबारा से क्लास का लिंक शेयर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। तो ये हो गया अपना ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वंदन योजना, एमएफएन, ये अपन देख ही चुके हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए रहेगा। अब हमारी सारी की सारी आ रही हैं स्कीम्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम है सारी मैं ट्राई कराऊंगा कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, हमारा फोकस यही है कि भाई स्कीम याद हो एंड अपन उसको कर पाए, ठीक है। फिर हमारा देखो अब अपनी स्कीम शुरू हो रही है, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन के साथ बैठे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, देखो राशन कार्ड अगेन कंज्यूमर अफेयर, ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल, ये सिंपल है। गड्ढा जहां पे होगा वो वाली मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, ये तो सिंपल है, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ पे कौन करता है वन नेशन में? स्टेट गवर्नमेंट। जहां भी आइडेंटिटी आएगी स्टेट गवर्नमेंट ही मार्क करना है। आत्मनिर्भर भारत आपका आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। एमएसएमई को प्रमोट करेंगे, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है आपका सिल्वर लाइन केरला का, जो इंटरसिटी आपकी फास्ट ट्रेन्स के लिए है, ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। ध्रुव, मैंने याद कैसे किया, जैसे मैंने याद किया है वैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ध्रुव, ध्रुव में क्या है, ध्रुव बनाना है बच्चों को, ध्रुव तारा बनाना है। ध्रुव तारा मतलब दारा कौन देखते हैं? स्पेस। स्पेस में क्या है अपना इसरो, तो इसरो के साथ मिलकर बच्चों को इंप्रूव कराने के लिए एमएचआरडी का ये प्रोग्राम है, कौन सा? ध्रुव, ठीक है। साइंटिस्ट के साथ मिलकर उनको और ज्यादा इंप्रूव कराना है, बेसिकली बात यह है। सत्यम क्या है? सत्यम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर योगा एंड मेडिटेशन, उसमें कौन हो जाएगा हमारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हमारा है बीई का स्टैंडर्ड एंड द लेबलिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारे लेबल्स करे जाते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वगैरह। फिर एक न्यूज में था 1000 स्प्रिंग्स। 1000 स्प्रिंग आपका किसका है? 1000 स्प्रिंग जो अपने है ना, वो इन्होंने देखा था कि भाई जो आपके ट्राइबल्स हैं उनके जो स्प्रिंग्स हैं उनकी जियो लोकेशन टैग करके, या फिर वहां पे जो भी आपकी अच्छी चीज मिल रही है उसको ये बताना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा 1000 स्प्रिंग मोटा भाई का, ठीक है। देखो शाला दर्पण, शाला से संबंधित सारी, शाला दर्पण, शाला सारथी, शाला सिद्धि। दर्पण है वो आपको दर्पण दिखाएगा कि भाई ई गवर्नेंस में आपकी कैसी है, नवोदय विद्यालय की ये स्कीम है बेसिकली, ठीक है। शाला सारथी, सारथी क्या है? शेयर करता है रथ को आपके साथ, तो शेयर, शेयर द इनोवेटिव प्रैक्टिस, वही स्कूल एजुकेशन में। शाला सिद्धि, सिद्धि इज इवेल्युएशन, ठीक है, सिद्धि कितना सिद्धि है, तो इवेल्युएशन, यह है स्कूल इवेल्युएशन से संबंधित। नेशनल एआई पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ऑब्वियसली ये किसमें होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हमारा क्या रहेगा? मैथी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 226, ये ध्यान रखना है, सबको पता ही होगा। निक्षय पोर्टल, निक्षय पोर्टल बेसिकली आपका टीबी के लिए, सीधा सीधा सवाल आएगा, ऑप्शन में टीबी मिलेगा। सत्यभामा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सत्यभामा पोर्टल, सारे पोर्टल जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं जिसको मार्क करा रहा हूं उसको तो एटलीस्ट करना, ठीक है। सत्यभामा पोर्टल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग, ठीक है। तो सत्यभामा एक बहुत ही तगड़ा आदमी है जो माइनिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपने को याद रखना है। तो ये इतना हो गया। ई रक्त कोष, नाम से ही पता चल रहा है, यानी ब्लड बैंक का अपन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। ट्यूलिप, ट्यूलिप अपन ने याद किया था, यूएल अर्बन लोकल बॉडीज में ट्रेनिंग बेसिकली देनी है, यहाँ पे एचआरडी के साथ 25,000 जो ग्रेजुएट्स हैं उनको दी जाएगी, ठीक है। अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है ट्यूलिप, ठीक है। तो ट्यूलिप आते ही क्या देखना है? अर्बन लर्निंग, अर्बन लर्निंग, अर्बन लर्निंग, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। फिर हमारा नमस्ते, नमस्ते कौन कर रहा है? WHO क्यों कर रहा है? देखो नमस्ते में आयुर्वेदा, तो ये इसको प्रमोट करने के लिए, आयुर्वेदा, सिद्धि एंड योगा के जो हमारे स्टैंडर्ड कोर्स बनाने के लिए, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। सो नमस्ते, WHO एंड आयुर्वेदा, तो अपना ये याद रहेगा। फिर हमारा संतुष्ट, संतुष्ट करना है भाई लेबर को, ठीक है, तो संतुष्ट होना चाहिए हमारा लेबर, तो ये किसका प्रोग्राम है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, अंदर क्या है क्या नहीं है वो देखना, ठीक है। फिर हमारा गति पोर्टल, देखो गति और प्रगति, गति किसमें होती है? वाहन में। वाहन कहाँ चलता है? हाईवे पे, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है गति पोर्टल। यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो किस स्टेज में है, क्या हो चुका है, उसको देखेगा। प्रगति हमारा पीएमओ मॉनिटरिंग के लिए है, प्रगति सबको पता है पीएमओ है। फिर हमारे सेक्रेटरीज होते हैं, फिर आपके चीफ सेक्रेटरीज स्टेट के होते हैं, 3 लेवल पे होता है, वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए रेगुलर बेसिस पे आपकी मीटिंग्स होती हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, तो वो है प्रगति, ठीक है। फिर हमारी आरबीआई की मनी ऐप है, जिसको सबको पता ही है, ये मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जो हमारे विजुअली एडेड हैं उनको बताने के लिए कि भाई ये कौन सा आपका नोट है, उसके लिए रहेगी। फिर सी विजिल इंपॉर्टेंट है, सी विजिल और मणि इस बार के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सी विजिल क्यों इंपॉर्टेंट है? विजिल, विजिलेंस, विजिलेंस किसकी? ये है इलेक्शन कमीशन की, भाई कोड ऑफ कंडक्ट, सी फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के कोई भी अगर वायलेशन कर रहा है तो उसकी विजिलेंस के लिए आपको मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, एंड यू कैन मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, और वीडियो बट एप्लीकेशन से ही बन सकता है, रिकॉर्डेड वीडियो कैन नॉट बी अपलोडेड, ठीक है। तो लाइव वीडियो बनेगा तभी वो जाएगा, तो आप इसमें करा सकते हैं। फिर देखो एम हरियाली, हरियाली लेके आनी है अर्बन एरियाज में, तो ये है MHUA हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। आरोग्य सेतु, ये सबको पता ही है, कोविड-19 के लिए। मिशन 175, नाम से ही पता चला, 175 यानी 175 गीगावाट के लिए अपन इसमें फोकस करवाना चाहते हैं, जिसमें 100 गीगावाट हमारी सोलर है, और उसमें 60 एंड 15, 60 इज विंड और 15 अपना हाइड्रो वाला चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। फिर हमारा है मिशन 11 मिलियन, 11 मिलियन ये फुटबॉल के लिए बेसिकली, ये थोड़ा सा पुराना है बट मैंने डाल दिया। 11 मिलियन लोगों को ये ट्रेन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फिर वंदे भारत मिशन, ये अपने को पता ही है, मासिक वेकेशन जो कोविड में करवाया गया था। वंदे भारत ट्रेन आपको पता है, ट्रेन 18 180 पे जो चल रही है। नेट ग्रिड क्या है, नेशनल ग्रिड, ये किसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सारी की सारी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको कंबाइन करके हम क्या बनाना चाह रहे हैं, नेट ग्रिड, दैट्स इट, ठीक है। फिर एनकेएन क्या है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज कैसे बढ़ेगी, जब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपकी एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाएंगी, यही इसका मोटो है, ठीक है। तो कनेक्ट ऑल द नॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रगति मैंने आपको बताई दिया है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस। देखो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कुछ जो स्कीम्स है उनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली फुल फॉर्म भी आ सकती है। प्रगति गवर्नमेंट टाइमली इंप्लीमेंटेशन, टाइमली इंप्लीमेंटेशन देखने के लिए 3 लेवल है आपके, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर हमारा देखो सुरक्षित मातृत्व अभियान सुमन, तो हमारी सुमन है, सुमन से सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये अगेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि हेल्थ का है तो सुरक्षित मातृत्व, ठीक है, जो 9 तारीख को आपका जाता है कि भाई उसमें करेंगे। पीसा ये अपन देख चुके हैं, 2009 में 72 हुआ था, 3 साल में हर बार होता है, ठीक है। फिर आपका इको नेटवर्क, इको नेटवर्क बेसिकली ये किसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ, देखो इकोनॉमिक्स और उससे संबंधित है ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर हमारा है रेज समिट, ये रिसेंट हुई है तो ये ध्यान रखना है। रेज में देखो ए और आई आ रहा है, ए और आई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये समिट किसके लिए हुई है अपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर द सोशल एम्पावरमेंट। अगले आने वाला टाइम इज गोइंग टू बी द एआई टाइम, और उसमें जो ये चीजें आपको दिख रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वेरी लॉन्ग वे। 3 4 5 साल में ही आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जो ऑलरेडी इनसे अडेप्ट हो जाएंगे वही बिजनेसेस सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू सर्वाइव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि एआई आपका चलेगा ही चलेगा, तो इसलिए अपना आ रहा है रेज, ठीक है। फिर आपका है युक्ति, देखो युक्ति करो, युक्ति किसके लिए करो, कोविड का कोई सॉल्यूशन है क्या आपके पास, तो उसके लिए युक्ति करनी है कोविड की। नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन से किसके अंदर है, एमएचआरडी, तो युक्ति कर रहे हैं तो एजुकेशन से ही युक्ति कर सकते हैं, तो एमएचआरडी, ठीक है। इंडसेट एग्जाम, ये हमारा इंडियन स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्टडी इन इंडिया, इंडिया में जो आके स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए है इंडसेट, ठीक है। इंडसेट किसका, अगेन अपना एमएचआरडी, ठीक है। फिर एक असीम, असीम असीम भी क्या है अपना, एआई बेस्ड ब्रिजिंग गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द स्किल वर्कर, ठीक है। ये किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मैंने कैसे याद किया था, असीम, असीम कृपया होगी अगर आप मुझे, जो आदमी मुझे चाहिए स्किल्ड आदमी, उससे मिला दे तो, और एआई बेस्ड है, ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। असीम कृपा होगी, डिमांड एंड सप्लाई स्किल फोर्स की आप फुलफिल करेंगे। पीएम किसान एवरीबडी नोज 6000 एंड 2000 के 3 ये रहेंगे, तो ये अपने 3 इसमें रहता है। देखो पीएम किसान मानदान, किसान को मानदान दिया जाता है, यहाँ पे क्या रहती है, एक पेंशन का प्रोविजन है, आप 55 से 200 रुपए यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, 18 से 40, उसके बाद आपको सरकार की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा और ये रहेगा। देखो सारी की सारी एग्रीकल्चरल स्कीम्स को एक अम्ब्रेला स्कीम बना दिया गया है, 11 इंक्लूड करके, कौन सी, कृषि उन्नति, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। सोयल हेल्थ कार्ड हमारे 2015 में शुरू हुए थे, राजस्थान, झुंझुनू, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको देख लेना, मुझे झुंझुनू ही याद है, अगर कुछ हो रहा है तो प्लीज कमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, और हर 3 साल में आपके ये किए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये बार बार कर चुके हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। परंपरागत हमारे किसमें हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर बेस्ड, ठीक है। 1.5 में क्या है, रवि, 2 में क्या है, खरीफ, 5 में क्या है, हॉर्टिकल्चर। क्या कोई अपर लिमिट है यहाँ पे जो आप इसमें सबमिट करेंगे, नहीं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी, यानी हार्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपकी क्रॉप को कोई लॉस हो रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मिशन हमारा आता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, एक्ट हमारा आता है कंज्यूमर अफेयर में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेरा गांव मेरा गौरव कब बढ़ेगा, जब मेरे गांव के जो फार्मर्स हैं वो साइंटिस्ट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो और ज्यादा इंप्रूव होंगे बेसिकली, यस, तो ये अपना रहेगा, ठीक है। फिर देखो रफ्तार बढ़ानी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की, और यहाँ पे टारगेट क्या रखा गया है, 4%, ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है, रफ्तार के साथ 4% भी आएगा, तो रफ्तार से चलेंगे 4%, ठीक है। रफ्तार एक अपना रैपर भी है, ठीक है। सेल, हाँ, ई रकम मिलेगी अगर बेचोगे तो मंडी में, तो ई रकम क्या है अपना, यह है राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, सेलिंग द प्रोड्यूस, सिंपल। प्रोजेक्ट चमन, चमन फूल खिलते हैं तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो प्रोजेक्ट चमन, चमन इज हॉर्टिकल्चर। फिंगरलिंग, फिंगर के जैसे छोटी छोटी क्या होती है मछली, उनके सीड्स, तो ये है फिशरी के लिए। हर मेड पर पेड़, जो हमारी मेड होती है मेड किसकी? अपने खेतों की। तो मेड पर पेड़ लगाना है तो अपने ये किसका हो जाएगा आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिंपल। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल, गोकुल से ही पता चल रहा है अपना इंडिजीनियस जो हमारी ब्रीड्स हैं उनका कंजर्वेशन एज वेल एज डेवलपमेंट के लिए है गोकुल मिशन। पीएमबीजेपी ये क्या है? भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसमें हमारी जन औषधि सेंटर्स आपके बनाए जाते हैं। तो ये अपना किस में जाएगा? केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ड्रग्स। ड्रग्स आपके किस में आएंगे? केमिकल्स में। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में हमारा किस में था? इसी में ही। ठीक है, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, प्लस मिनिस्ट्री कौन सी है? सिविल एविएशन। ठीक है, इसी में ही अपने एयरपोर्ट्स में आपका आ रहा है डीजी यात्रा। देखो डीजी यात्रा बेसिकली नथिंग बट व्हाट, जो फेसलेस यानी आपको आए और एकदम से ही वो हो गया। ठीक है, वहां पे सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, स्मूथ सीमलेस आपका मूवमेंट कराने के लिए है हमारा डिजी यात्रा। ठीक है, फिर हमारा आएगा स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया किसमें है? देखो स्टार्टअप से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्ट्री। दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना, देखो स्टार्टअप का ही जैसे ही ये स्टैंडअप स्टार्टअप जैसे ही, तो स्वनियोजन ये आपका आता है रूरल डेवलपमेंट में, ये ध्यान रखना है। आईपीआर अवेयरनेस के लिए क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। इनोवेशन क्या है? आईपीआर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जितने ज्यादा इनोवेटिव होंगे उतने ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने रहेंगे। तो दैट इज आईपीआर अवेयरनेस के लिए क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया प्रोग्राम। निर्यात बंधु ने क्या देखा था? अगेन एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पोटेंशियल को इंप्रूव करने के लिए निर्यात बंधु स्कीम है। स्पर्श योजना, स्पर्श अपना किसको कर रहे हैं? स्पर्श कर रहा हूं मैं उसको पोस्ट ऑफिस की स्टैंप को, तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना है अपनी स्टैंप कलेक्शन के लिए। दर्पण, दर्पण भी अपन ने इसी में ही देखा था। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया पोस्ट का ही है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट एरो अपना था जो इंडिया पोस्ट के ही मॉडर्नाइजेशन से संबंधित था, दर्पण भी अपना इसी का ही है। एनएफएससी एक्ट, एनएफएस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ पे देखो जो टारगेट रखा गया है 2/3 तो टोटल पॉपुलेशन कवर करेंगे। ठीक है, अर्बन में 50% कवर करेंगे, रूरल में 85% कवर करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन जो हमारे हैं, ठीक है, आई थिंक ये 75 होना चाहिए, 85 की जगह 75। ठीक है, इसको प्लीज चेक कर लेंगे, 75 होना चाहिए। राइस के जो प्राइस रहेगा वो 3, व्हीट का 2 और कोर्स ग्रेन का है 1। और इसी के अंदर जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है उनको कितने पैसे दिए जाएंगे? 6000 रुपीज दिए जाएंगे। आइडेंटिफाई अगेन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही फिर हमारा था सेवा भोज। देखो भोज जो करवाता है, जैसे हमारे लंगर वगैरह लगते हैं तो उनको जीएसटी वो उनको पे करना पड़ता है, सामान वगैरह लेके आते हैं तो वो जीएसटी रीएम्बर्स किया जाता है। वो जो रीएम्बर्समेंट है वही हमारा क्या रहेगा? सेवा भोज स्कीम। ठीक है, फिर हमारा प्रोजेक्ट मौसम। देखो मौसम अच्छा है तो कल्चरल, कल्चर भी अच्छी होगी, तो कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए या फिर आपस में उसको बनाने के लिए, तो कल्चरल शोकेस एंड रिवाइविंग द लिंकेज बिटवीन जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ प्रोजेक्ट मौसम। 1 रैंक 1 पेंशन ये हमारा किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और 2013 से ये आपकी शुरू होगी। ठीक है, फिर देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपका हर मिनिस्ट्री के अंडर आपका 10% जो बजट है नॉन लैप्सेबल रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री को अगर कोई बजट मिला है उसमें से 10% कह रखा है कि नॉर्थ ईस्ट को ही दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अटल भूजल योजना ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा इसमें आता है। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आपको असिस्ट करता है, 30 लिखा हुआ है, आई थिंक 50% होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंट होती है, इतना ध्यान रखो। जल जीवन मिशन में इन्होंने टारगेट रखा है 2024 तक सारे के सारे हाउस होल्ड को पानी मिल जाएगा। वाटर किसके अंडर सब्जेक्ट आता है? वाटर आता है हमारा स्टेट के अंडर, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हमारा देखो एआईबीपी। एआईबीपी क्या है? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। यहाँ पे जो आपके मीडियम और जो मेजर इरिगेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के लिए ये होता है। ठीक है, इसमें स्मॉल वाले नहीं होते, ये चीज ध्यान रखेंगे, स्मॉल नहीं आएंगे। मेजर एंड मीडियम वो भी इनकम्प्लीट, नए नहीं शुरू करते, जो इनकम्प्लीट है उनको पूरा करने के लिए एआईबीपी लेके आए थे। ड्रिप, देखो ड्रिप और धर्मा दो चीजें याद रखनी है। ड्रिप, ड्रिप तो ड्रिप है हमारा डैम से रिलेटेड, डैम से ड्रिप निकल रही है, और धर्मा, धर्मा भी हमारा है डैम से ही रिलेटेड। तो ये देखो ये क्या है? वो डैम हेल्थ से संबंधित है। ड्रिप इज डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, पहला तो ये हो गया। फिर हमारा गोबरधन योजना, गोबर से अपन धन निकालना चाहते हैं, गोबर गैस बना के, तो कैटल से। ठीक है, फिर हमारा स्वजल। स्वजल इज बेसिकली व्हाट? हमारा जो भी कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर है उसका प्रोग्राम है। ये आपके 115 जो ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये चलाया जाएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, देखो अर्बन में किसके अंदर है? अर्बन डेवलपमेंट, और रूरल में किसके अंदर है? जल शक्ति। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ओडीएफ प्लस या फिर ओडीएफ प्लस प्लस, ये दो स्टेटस दिए जाते हैं। ओडीएफ प्लस स्टेटस कब दिया जाएगा? जब आपका टॉयलेट वर्किंग कंडीशन में है। ओडीएफ प्लस प्लस कब दिया जाएगा? जब हमारा सीवरेज सिस्टम एंड द प्रोसेसिंग सारी की सारी अच्छे से हो रही है। तो उसमें दिया जाएगा सेफ डिस्पोजेबल वगैरह। ठीक है, जल मणि, मणि प्योर होती है, तो यहाँ पे एक स्टैंड अलोन यानी एक अकेला प्योरिफिकेशन सिस्टम लगाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली इन द स्कूल, गांव में जो भी स्कूल होगा वहां पे, तो अच्छा पीने का पानी आपका मिल सके। ये हमारा है जलमणि प्रोग्राम। ठीक है, अक्रॉस, अक्रॉस द एटमोस्फेयर, कैसे याद करना है? अक्रॉस मतलब अक्रॉस द एटमोस्फेयर, तो अक्रॉस द एटमोस्फेयर, ए फॉर एटमोस्फेयर, सी फॉर क्लाइमेटिक, एटमोस्फेरिक एंड द क्लाइमेटिक रिसर्च ऑब्जर्वेशन सिस्टम सिंपल। ओ स्मार्ट, ओ इज ओशियन, ओशियन स्मार्ट, तो उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपने को चाहिए किस प्रोग्राम में मिलेगी? ओशन स्मार्ट। कीवर्ड ही याद रखेंगे, अंदर वाला याद नहीं रखना, अंदर वाला आप कर लोगे। ठीक है, कीवर्ड पे ही कंफ्यूजन होता है, अंदर में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों बहुत अलग अलग मिलेंगे, आपको एक ढूंढना है, दैट्स इट। ठीक है, फिर ऐसे ही सागर वाणी, देखो सागर में गए तो उनको वाणी यानी रेडियो के थ्रू बताया जाता है, मैसेजेस दिए जाते हैं, किनको? फिशरमैन को, अलर्ट कराने के लिए। स्त्री स्वाभिमान, ये बेसिकली क्या है हमारा? सैनिटेशन से संबंधित। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सैनिटेशन से संबंधित है, आपका किसका है? मैती का। ठीक है, ई क्रांति, कैसे याद किया था? क्रांति आ गई, सारी के सारी सर्विसेज की डिलीवरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो ये हमारा हो गया ई क्रांति। पीएम दिशा, ठीक है, पीएम दिशा बेसिकली क्या है? एक आपका 6 करोड़ डिजिटल साक्षरता, DIS से क्या है? डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, यहाँ पे 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट हम बनाना चाहते हैं, तो पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता ये अभियान है। NAPCC, इसमें 8 आपके आते हैं, ये आपको पता है, ये मैं बता चुका हूं, 2 बार बता चुका हूं। ठीक है, परिवेश, ठीक है, मेरा एक दोस्त है प्रवेश, तो मैंने उससे याद कर रखा है कि भाई प्रवेश एक सिंगल विंडो है और आपका एनवायरमेंट के क्लियरेंस से संबंधित है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड द क्लियरेंस सिस्टम सिंगल विंडो, प्रवेश, परिवेश, परिवेश अपने क्लास में भी है प्रवेश, तो उससे भी याद कर सकते हैं, कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, जनधन योजना कब शुरू हुई? 2014 15 अगस्त, और किसके लिए थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। और ड्राफ्ट कितना है ये अपन देख चुके हैं सुबह, 10,000 रुपए का। सुरक्षा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन, तीनों एक साथ याद करनी कैसे? देखो जीवन ज्योति, ज्योति खत्म पहले हो जाती है 50 पे, 18 से 50, 18 से 70, 18 से 40, ये सबसे कम अटल पेंशन योजना। ठीक है, अब यहाँ पे सुरक्षा में कितना बनना है? 12, यहाँ पे कितना? 330, यहाँ पे कैसे मिलेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पे कितना मिलेगा? डेथ होते ही जीवन ज्योति, जैसे ही आपकी ज्योति गई आपको डेथ में मिल जाएंगी। सुसाइड इंक्लूडेड है, वहां पे सुसाइड इंक्लूडेड नहीं होती। अटल पेंशन 18 से 40 में चलेगा, कितना भी डिपोजिट कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें रहता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है NPS, NRIs को क्या नेशनल पेंशन स्कीम में आपका भाग ले सकते हैं? यस दे कैन। ठीक है, 18 से 65 साल के NRI भी NPS के थ्रू बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर हमारा है PM वय वंदना, मैं वंदना कर रहा हूं आपसे कि प्लीज आप अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर दो। वंदना हम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन से, बट उनको लालच क्या दिया जा रहा है? अच्छा इंटरेस्ट रेट, तो उनसे यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं मोर देन 60। मुद्रा, मुद्रा में याद रखना है नॉन एग्रीकल्चर कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, ये अपन ने सुबह ही देखा था, शिशु तरुण और ये सब वो सब। ठीक है, तो ये अपना हो गया। 50,000 तक है शिशु, 5 लाख तक है किशोर, 10 लाख तक है तरुण। ठीक है, स्टैंडअप में क्या हो जाता है? स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंडअप इंडिया जब SC ST और वुमेन पे आप फोकस करते हैं तो अपना स्टैंडअप। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्षम, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है उसका ये प्रोग्राम है बेसिकली डिजिटल अपना नेटवर्क बनाने का, प्रोजेक्ट सक्षम। ठीक है, 6% गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवाई, ये अपन बार बार देख चुके हैं, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, संपदा, ठीक है, रफ्तार के बाद अपनी कौन सी इंपोर्टेंट मैंने बताई थी कल भी? संपदा। संपदा AM क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग मैराइन। ठीक है, तो अब इसमें ये सब आ रही हैं, तो ये अपना है एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स। ऑपरेशन ग्रीन्स, इसमें पहले अपनी आई थी टोमेटो ऑनियन पोटैटो टॉप प्लस कॉलीफ्लावर। प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है बेसिकली, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा कि भाई ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है, क्या ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है, क्या ये है? नहीं, ये है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। किन किन में आपका यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अभी अपना भावांतर भरपाई भी याद रखना। ये PMJ में अपना देखो, इसमें पहला तो क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने हैं 1.5 लाख। सेकंड में जो हमारा टर्शरी और जो सेकेंडरी और टर्शरी जो केयर दी जाएगी उसके लिए हमारा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में आप कितने पैसे दोगे? 1.5 लाख रुपए, और फैमिली हमारे 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए फैमिली, कितनी? 10 करोड़ फैमिलीज आपने इसमें इंक्लूड कर रखी है, 5 लाख हो रही है। ठीक है, 1.5 लाख वेलनेस सेंटर अपन बनाएंगे। फिर देखो क्या फैमिली पे कोई कैप है? नो। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इसी में ही कवर्ड अप रहता है। फिर हमारा ये आता है देखो PM सुरक्षित मातृत्व, तो ये अपन ने देखा है सुमन वाला, तो ये आपका क्या है? 9 तारीख को। एंटीनेटल केयर क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो हम केयर देते हैं दैट इज एंटीनेटल केयर, उसमें हर 9 तारीख को इवन प्राइवेट भी जो है वो फ्री सेवा देते हैं। ठीक है, तो ये है देखो। अब ये दो आ रहे हैं स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा। सू सु आते ही दो आएंगे, सु दू, क्या दो? एक तो एम्स, एम्स आपको बनाने हैं बहुत सारे, फिर दूसरा क्या आएगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज बनाना है। तो ये जो दो चीजें करना चाहते हैं ये आपका आएगा सु में। और जो आयुष का प्रमोशन है, आयुष एंड हमारा इंटीग्रेटेड हेल्थ, वो जो प्रमोशन है वो हमारा किस में रहेगा? आपका सारा का सारा रक्षा में, ठीक है। माँ, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है माँ, माँ क्योंकि दूध पिलाती है, तो ये हो गया माँ। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, लक्ष्य हमारे लेबर रूम के थे, एल फॉर लक्ष्य, एल फॉर लेबर रूम अच्छे बनाने के लिए। मिशन इंद्रधनुष, वैक्सीनेशन 12 वैक्सीन इसमें लगाई जाती हैं, 12 भी याद रखना है, ठीक है। परिवार विकास, बेसिकली परिवार का विकास कब होगा? जब आप फैमिली प्लानिंग करोगे, फैमिली प्लानिंग। इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, वैक्सीन की मॉनिटरिंग करते हैं, कहां तक पहुंच गई, कितनी दे दी, कितनी रहेगी, तो वो हमारा कौन सा नेटवर्क है? ई विन, ठीक है। किसके अंडर है? यूएनडीपी के अंडर, ठीक है। फिर हमारा आ रहा है, देखो दो टैबलेट्स जैसे ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, अंतरा और छाया। छाया बन रही है अपनी, देखो अंतरा है इंजेक्टेबल, इंजेक्शन, ठीक है, तो अंतरा तो अंदर लगाया जाता है, जबकि छाया बनती है गोली की, जैसे ऐसे गोली रखी हुई, गोली की छाया बन रही है, तो ऐसे याद करेंगे। ये है ओरल टैबलेट, छाया इज ओरल टैबलेट, कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रोजेक्ट सनराइज, सनराइज, सन इज राइजिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, और ये प्रोग्राम है एड्स को कंट्रोल करने के लिए 90-90-90, ठीक है। 90% डायग्नोस करेंगे, 90% ट्रीट करेंगे, 90% दोबारा से जाएगा। मिशन मधुमेह है, मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज, बट ध्यान क्या रखना है, ये हिंदी नाम आ गया तो किससे संबंधित रहेगा? आयुर्वेदिक, ठीक है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू अपन इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, बेसिकली ये है प्रोग्राम, ठीक है, ओके। फिर हमारा क्या है? फेम इंडिया। फेम कैसे मिलेगा? जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे, सुबह भी देखे हैं। सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, किसमें होगा? ऑब्वियसली होम अफेयर। 15 लाख का भारत एक वीर, अक्षय कुमार आता था, वो करता था इसकी वो प्रमोशन कि भाई जो सीएफएफ के हमारे जवान हैं जो शहीद हो गए हैं उनको जो भी लोग वॉलंटरीली डोनेट करना चाहते हैं 15-15 लाख उनके खाते में जाते हैं, फिर दूसरे के खाते में चले जाने लगते हैं, ठीक है। तो यह है भारत एक वीर। ऑपरेशन मुस्कान, मुस्कान कब आई? जब ट्रैफिकिंग वाले बच्चों को रिहेबिलिटेट करवाया। हाउसिंग फॉर ऑल किसमें है? मिनिस्ट्री हाउसिंग अर्बन अफेयर, 2022 तक। हेरिटेज सिटीज में किसमें देखेंगे? हृदय और प्रसाद भी अपना क्या है? पिलग्रिमेज का है, ठीक है। रेज, रेज है बेसिकली इन्वेस्टमेंट को रेज करने के लिए, ठीक है, किसमें? हायर एजुकेशन में 1 लाख करोड़, किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है। तो ये हमारा अर्पित, अर्पित अपना क्या था? अर्पित अपना टीचर है, तो अर्पित एक स्कीम है अपनी हायर एजुकेशन फैकल्टी को अच्छा बनाने के लिए। मूक, ये पूछा जा चुका है, मूक आपसे पूछा जाएगा, स्वयं पोर्टल पूछा जाएगा, ये दोनों सेम ही है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इम्प्रेस, देखो लास्ट वाले दो वर्ड ध्यान रखो, SS सोशल सर्विस, ठीक है। तो इसमें हम इनोवेशन के थ्रू, सोशल सर्विस, टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं, बेसिकली ये है। रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, 30% एनरोलमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं 2020 तक। स्वयं प्रभा, प्रभा क्या देख रही थी? टीवी देख रही थी, टीवी पे अपने क्या आ रहे थे? चैनल 6 से 12 तक के, ठीक है। तो DTH के थ्रू जो एजुकेशन देना चाहते हैं 24/7 11वीं और 12वीं को, दैट इज व्हाट? स्वयं प्रभा। फिर है एक भारत श्रेष्ठ भारत, MHRD का ही है, अलग अलग कल्चरल एक्सचेंज स्टेट्स और यूटीज को मिला के यहाँ पे किया जाता है, कल्चरल इंटरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। इंटरनेशनल, हाँ ये ज्ञान, यह ज्ञान नेटवर्क, ज्ञान पूछा जाएगा। GIAN, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, इंटरनेशनल जो टॉप साइंटिस्ट हमारे हैं उनको यहाँ पे लाके कोलैबोरेट करना है और उनकी सर्विसेज को अपन यूज करना चाहते हैं, उनके ज्ञान को यूज करना चाहते हैं, बेसिकली बात यह है। इम्प्रिंट, देखो IIT IISc, इम्प्रिंट प्रिंटेड, IIT IISc मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, बस प्रिंट हो रहा है IIT IISc में, अच्छा। तो सोशल रेलेवेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेम चीज, इम्प्रेस जैसा ही है बट IIT IISc इन्वॉल्व है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रिंट। वित्तीय साक्षरता अभियान, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, साक्षरता एजुकेशन, तो एजुकेशन है तो कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। एमफिल MHD, शोध गंगा, इनके जितने भी रिपोजिटरीज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक करने के लिए हमारा क्या बनाया गया? शोध गंगा। और दूसरा हमारा क्या है? ऊर्जा गंगा, जो हमारे ये नेटवर्क कनेक्ट करे गए हैं सारे पाइपलाइंस वगैरह, ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा किसको होती है? स्टूडेंट को, तो ये बेसिकली क्या है हमारा? स्टूडेंट साइंटिफिक कनेक्ट, ठीक है, साइंटिस्ट का कनेक्ट है। पेंसिल पोर्टल अपन ने क्या देखा था? बच्चे, चाइल्ड लेबर का है पेंसिल पोर्टल, ठीक है, जैसे बच्चे को रिबेलेट किया उसको हाथ में पेंसिल दे दी। लेबर किस लिस्ट में आता है? कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, ये अपना MSME से संबंधित है कि भाई MSME से कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जीरो इफेक्ट होना चाहिए ऑन द एनवायरमेंट और जीरो डिफेक्ट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना हो गया। फिर अपना उद्यमी कौन है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको क्रेडिट देने के लिए, तो क्रेडिट टू द एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई। सोलर चरखा, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू चरखा यहाँ पे ट्रेन करना चाहता है किसको, रूरल पीपल्स को इन द वीविंग। ये हो जाएगा नई मंजिल। अब ये नई मंजिल, नई रोशनी, ये हमारी है माइनॉरिटीज की, तो नई मंजिल किसकी होगी, पुअर माइनॉरिटी यूथ को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। नई रोशनी, रोशनी को क्या बनाया था, लीडर बनाया था माइनॉरिटी का। ऐसा ही मानस भी किसी का, इसी का ही है। मौलाना आजाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल्स किसका, मोमा का। मोमा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा क्या आ रहा है इसमें नेक्स्ट, उस्ताद। उस्ताद भी अपन किसको बनाना चाहते हैं, माइनॉरिटी वाले को, ठीक है। तो अपग्रेड द स्किल, अपग्रेड द स्किल, ट्रेडिशनल आर्ट एंड डेवलपमेंट। हमारी धरोहर, ये भी आपकी माइनॉरिटी की ही है, सारी माइनॉरिटीज की ही चल रही हैं, उनकी जो भी कल्चरल है उसी को ही प्रिजर्व करने के लिए कौन सी स्कीम है, हमारी धरोहर। जियो पारसी, आपको पता ही है, पारसीज की जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जियो पारसी। कुसुम, देखो कुसुम, कुसुम खड़ी है खेत में और उसके बगल में क्या लगा हुआ है, सोलर पार्क। तो कुसुम खड़ी है खेत में, तो कुसुम इज क्या, व्हाट इज व्हाट, कुसुम इज फार्मर्स के लिए ग्रिड कनेक्टिंग टू द सोलर प्लांट, खेत में लगाया जाएगा। 2022 तक जो अपना टारगेट है 100 गीगावाट सोलर से, 40 अपना इससे, हाँ 40 और 60, 60 है रूफटॉप से और 40 है अदर मीन से। तो ये हमारा क्या होगा, नेशनल सोलर मिशन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, स्वराज कब मिलेगा, जब पंचायत आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो ये हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। उज्ज्वला, उज्ज्वला में क्या दिया था, एलपीजी का सिलेंडर दिया था बीपीएल में 1600 रुपए में, और फिर इसी में जब डीबीटी किया था तो अपना क्या हो गया, ये पहल हस्तांतरित लाभ। पीएम ऊर्जा योजना, यहाँ पे देखो पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर आता है, जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धर्मा, यहाँ पे नेचुरल गैस पाइपलाइन को कनेक्ट किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ग्रामों में ज्योति आनी चाहिए 24/7, ठीक है। उजाला, उन्नत, एलईडी फॉर ऑल, ठीक है, यहाँ पे एलईडी लगाए जाएंगे हमारे। तो उजाला इज, उजाला किससे हुआ, एलईडी से। उदय हमने पता ही है, डिस्कॉम से हमारा है, और 75 डेट आपके यहाँ पे लेते हैं। सौभाग्य, सौभाग्य है हमारा कि भाई बिजली आ गई, ठीक है। तो सौभाग्य इज इलेक्ट्रिसिटी टू द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रूरल एंड द अर्बन एरिया। सौभाग्य है अपना, बिजली आ गई, ठीक है। विकल्प, अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराएंगे, बट विकल्प किसमें, सिर्फ और सिर्फ अपना रेलवेज में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेलवेज के लिए अल्टरनेटिव ट्रेन विद इन 12 आवर्स, जो भी वेटिंग है वेटिंग वालों को इसमें डाल दिया जाएगा। फिर एक प्रोजेक्ट सक्षम दोबारा से आ रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम का था, एक यहाँ पे है। इंडियन रेलवे अपने उनको ट्रेन करना चाहती है, स्किल बिल्ड करना चाहती है, ठीक है। फिर हमारे ये सिंपल सिंपल है, देखो भारतमाला क्या था, नेशनल हाईवे वगैरह बनाना। सेतु भारतम क्या है, रेलवे क्रॉसिंग जो नेशनल हाईवे की है उनको फ्री करना, ठीक है, अंडरग्राउंड और अपर ग्राउंड, ठीक है। और हमारा वो क्या था, सागरमाला, सागरमाला मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये आपके किसमें रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड। चार धाम जो प्रोजेक्ट है वो हमारा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये चार धामों को कनेक्ट करने के लिए है। फिर देखो रूरल डेवलपमेंट की जो 4-5 स्कीम इंपॉर्टेंट है वो क्या ध्यान रखनी है, देखो एक तो गांव है, गांव में मनरेगा से काम दे रहे हैं। काम क्या दिया, सड़क बनाने का, सड़क बनवाई तो ग्राम सड़क। काम दिया तो वो अपना मतलब उसको सोशल असिस्टेंट भी चाहिए, मान लो काम नहीं मिल रहा तो सोशल असिस्टेंट। और सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे इसमें हो जाएंगे। फिर हमने क्या देखा था, वज्र, वज्र है बड़े तगड़े, कौन से, हमारे इंडियन ओरिजिन के जो अब्रोड वाले रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पे लाके उनकी जो सर्विसेज है उनका फायदा उठाने के लिए हमारा कौन सा प्रोग्राम है, वज्रा। बायोटेक किसान, नाम से ही पता चल रहा है, बायोटेक एंड द किसान। तो किसान ये आपके किसमें हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वैसे किसान से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई एग्रीकल्चर मार्क कर दो, एग्रीकल्चर नहीं, बायोटेक पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमारा किरण, किरण जी क्या थी, प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपना डिपार्टमेंट छोड़ दिया था, तो किरण जी को वापस लेके आया जा रहा है। तो किरण एक हमारी स्कीम है जो आपके फॉर बायोलॉजिकल रीजंस जो फीमेल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से आपके निकल जाती है उनको दोबारा से उसमें लेके आने के लिए, ठीक है, पोस्ट प्रेगनेंसी वगैरह ऐसे। सागरमाला किसका हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ अपन कहां से बना रहे हैं, हल्दिया टू वाराणसी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल योजना ऑब्वियसली किस मिनिस्ट्री में आएगा, अपना स्किल डेवलपमेंट। उड़ान एक दूसरा है, उड़े देश का आमने के अलावा 2 उड़ान है अपने पास, एक तो जो गर्ल्स हैं उनकी आईआईटी की कोचिंग देना, नीट की कोचिंग देना, और एक हमारा जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो है यूथ उसको स्किल की ट्रेनिंग देना। तो 2 आपके उड़ान हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आ रहा है, संकल्प एंड स्ट्राइव, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का है, वर्ल्ड बैंक के साथ स्किलिंग करके अच्छा बनाना जो छोटी वाले इंडस्ट्रीज हैं उनको, संकल्प एंड स्ट्राइव, स्किलिंग स्किलिंग, ठीक है। सुगम्य भारत, सुगम्य बनाना है, सुगम्य किन के लिए, जो हमारे डिफरेंटली एबल जिनको हम बोलते हैं, तो वो होता है सुगम्य भारत, उनके लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी इसको बोला जाता है। सुगम्य भारत किस मिनिस्ट्री में आएगा, ऑब्वियसली सोशल जस्टिस सिंपल, ठीक है। फिर एक हमारा है राष्ट्रीय व्ययश्री योजना। देखो व्यय वंदना में तो उनसे पैसा लिया, व्ययश्री, व्ययश्री, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, उनको जो डिवाइसेस वगैरह हैं, असिस्टिंग डिवाइसेस, कान से सुनाई नहीं दे रहा, हाथ से चला लिखा नहीं जा रहा, पैर से चला नहीं जा रहा, तो वो जो डिवाइसेस ओल्ड एज वालों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो हमारे दिए जाते हैं इसमें, बट बीपीएल वालों को ही दिए जाएंगे। स्मर्थ, स्मर्थ हम बनाना चाहते हैं टेक्सटाइल को, ठीक है, तो स्मर्थ इज स्किल अपग्रेड ऑफ द टेक्सटाइल। स्वदेश दर्शन, यहाँ पे आप थीम बेस्ड सर्किट बनाओगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर। प्रसाद में अपना क्या होगा, पिलग्रिमेज वाले को अडोप्ट वो करना, अडोप्ट एन हेरिटेज, ये क्या है आपका, एक हेरिटेज आप अडोप्ट कर लो, वहां पे हम टूरिज्म को फिर आप प्रमोट करना चाहते हैं। ये देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अडोप्ट एन हेरिटेज, हेरिटेज को कोई भी अडोप्ट कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी और आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर भी या फिर कोई और भी, ठीक है, तो कोई भी कर सकता है। फिर देखो पीवीटीजीज का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका कौन कर सकता है, कौन करता है, एमओएचए, और हमारे यहाँ पे कितनी पीवीटीजीज हैं, 75, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एकलव्य, एकलव्य हमारा ट्राइबल था, उसके बच्चों को स्कूल पे लेके जाना है, तो ट्राइबल चिल्ड्रन को स्कूल की वो, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, रेजिडेंशियल स्कूल। ट्राई फूड, नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइबल फूड को प्रमोट करने के लिए मोटा भाई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। प्रधानमंत्री जीवन, जीवन जैव ईंधन, जैव ईंधन बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट है, जीवन योजना, ठीक है। पोषण अभियान अपने को बताइए, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड अनीमिया। देखो एनीमिया को तो 3% कम करना चाहते हैं हर साल 3 साल के लिए, और बाकियों को अपन कम करना चाहते हैं 2%, ठीक है, एवरी ईयर। तो ये अपना रहेगा ऐसे। सबला और सक्षम, देखो सबला बनाना है एडोलेसेंट गर्ल्स को 11 से 18, जबकि सक्षम बनाना है एडोलेसेंट बॉय को। क्यों? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं 11 से 18 के बीच में, तो उनको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अपने को करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रूरल वुमेन एम्पावरमेंट में हमारा प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र, और शक्ति ही हमारे कौन से थे, वन स्टॉप सेंटर से सखी, ठीक है, सखी, सखी थे, शक्ति थे, सखी, ठीक है। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा 3 है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, हेल्थ एंड एचआरडी, और सुकन्या समृद्धि। मिनिमम हम इसमें कितना रख सकते हैं, 250, 1000 नहीं 250, 250 से लेके 1.5 लाख तक, ठीक है। उज्ज्वला, उज्ज्वला एक आई थी एलपीजी की, एक उज्ज्वला है ट्रैफिकिंग से संबंधित, वुमेन की आपकी ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए है उज्ज्वला। सुधार गृह, सुधार गृह, गृह जहां पे सुधारा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो वुमेन आपकी आ रही हैं वायलेंस से संबंधित कोई और समस्या होगी तो उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने के लिए। शी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट ई कंप्लेंट बॉक्स, ठीक है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट की ई कंप्लेंट के लिए है। सखी, देखो ये आगे सखी, ठीक है, सखी क्या है, वन स्टॉप सेंटर वायलेंस का। हरियाणा में कितने बन चुके हैं, 15, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा क्या है, देखो नारी, ये एक नया बनाया है, ये आ सकता है। नारी क्या है, नारियों के लिए जितनी भी स्कीम आई है वो सारी की सारी नारी पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है, स्कीम के लिए एक स्कीम, नारी पोर्टल पे जाओ सारी स्कीम यही मिल जाएगी, ठीक है, तो ये नारी पोर्टल, तो एक्सेस इंफॉर्मेशन जितनी भी स्कीम्स की है वो। खोया पाया, कौन खो गया था, बच्चा खो गया था तो वो पाया, तो ये हो गया मिसिंग चाइल्ड एंड फाउंड। कमिट, ठीक है, कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तो कमिट क्या है, हमारे ट्रेनिंग ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स, 6 स्टेट्स में है, हरियाणा में भी कॉमेट स्कीम चल रही है, इसलिए कॉमेट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे कॉमेट को। कॉमेट इज सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग, ठीक है, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, करेगा कौन, सेंटर। टीएडीए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स किसका है, नीति आयोग। एम और सेतु, अटल इनोवेशन मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टैलेंट यूटिलाइजेशन, ये भी किसके हो गए, हमारे नीति आयोग के, ठीक है। फिर एक नया है हमारा 7, याद रखना, 7 क्या है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैसे ट्रांसफॉर्म होती है हमारी, बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रमोट करके, तो ये हमारा हो गया 7, ठीक है। फिर हमारा ई विधान प्रोजेक्ट, ई विधान, विधानसभा क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एसएलए, एसएलए क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको पेपरलेस बनाना है ई विधान। अभी अपन ने क्या देखा था, हरियाणा का जो बजट है 2 टाइम्स आपका टैबलेट से आया है, तो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्राम उदय से भारत उदय कब होगा, जब पंचायती राज वो अच्छे होंगे, ठीक है, तो सक्षम भी यही हो गया, ठीक है। समीप, पास में आओ, किसको पास में लेके आना चाहते हैं, जो बाहर चले गए, बाहर कौन चले गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाले, तो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो होते हैं उनको वॉलंटरली कहा जाता है कि भाई आप जाओ और प्रमोट करो, अपने एरिया में भी प्रमोट कर सकते हो, कहीं भी प्रमोट कर सकते हो, समीप लेके आओ बच्चों को, इसके लिए और ज्यादा वो बनाओ। बट फनी चीज क्या है, हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 900 डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, जबकि यूएसए का तो सिर्फ रशिया में ही 900 से ज्यादा थे, ठीक है, तो ये है इंडिया का काम। नो इंडिया प्रोग्राम, बाहर वाला कोई इंडिया में आके जानना चाहता है इंडिया के बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अगेन, ठीक है। उड़ीसा वाला कौन सा था, कालिया, ठीक है। वन फैमिली वन जॉब, एक फैमिली में सबको एक जॉब मिलेगी। पहला स्टेट जो है वो हुआ है सिक्किम। सिक्किम ही पहला स्टेट आपका है जहां पे हमारा वो रहा क्या कि भाई अगर कोई आदमी अपने ओल्ड एज उसका वो ध्यान नहीं रख रहा तो उसकी इनकम भी काट ली जाएगी, ठीक है, एज ए पनिशमेंट। रायत बंधु स्कीम कहाँ पे है? तेलंगाना की। भावंतर कहाँ की है? एमपी की, ये देख चुके हैं। शाकाल, शाकाल कहाँ की है? कर्नाटक की। शाकाल में क्या था? करप्शन, ठीक है, शाकाल, शाकाल करप्शन करता है तो कर्नाटका की शाकाल स्कीम है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स इट। अभी कुछ स्टेट वाली हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, 5-6 ही डाली है, ज्यादा नहीं है। देखो कन्याश्री परिकल्पना योजना, इसको बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला था, तो ये ध्यान रखेंगे। ये किसकी? वेस्ट बंगाल की। बेसिकली किसके लिए है? जो चाइल्ड मैरिज आपकी होती है उसको रोकने के लिए यहाँ पे कैश असिस्टेंट आपकी दी जाती है, ठीक है। शक्ति हमारी कोयला से संबंधित भी है। सिक्योर हिमालयाज, हिमालयाज में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर हमारा निष्ठा, अर्पित टीचर था, अर्पित और निष्ठा दोनों टीचर एंड टीचरनी, ठीक है। तो निष्ठा हमारी टीचरनी, तो टीचरनी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एमएचआरडी टीचरनी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। फिर हमारा नीट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, कर क्या रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ठीक है, हर आदमी के हिसाब से उसको बताया जाएगा कि भाई आपको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या इजी है, तो उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग करी जाएगी। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग में नीट, ठीक है, नीट याद रखना है। विद्यांजलि, अंजलि कहाँ गई थी? स्कूल में पढ़ाने के लिए, बट पढ़ाने के लिए कैसे कि भाई वॉलंटरली, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो विद्यांजलि स्कीम ये यूपीएससी में आ चुका है, वॉलंटरली टीचिंग के लिए है ये। विज्ञान ज्योति, तो यहाँ पे साइंस को प्रमोट करना, हायर एजुकेशन में कौन ले? फीमेल ले, ठीक है। फिर हमारा मानस ऐप, जैसे मानस हमारा उसमें था किसके लिए? आपका जो माइनॉरिटीज में था, ठीक है। अभी ऐप है हमारा मेंटल हेल्थ, नॉर्मेल्सी एंड द ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है। आधार क्रांति मूवमेंट, आधार अलग है, आधार क्रांति क्या है? आधार बनता है बेस खाने से, तो डाइट की अवेयरनेस से संबंधित, ठीक है। आज मैंने भी ज्यादा खा लिया, आज कढ़ी बनी हुई थी और कढ़ी इज माय फेवरेट, तो अब वो एक्सेस हो जाता है, एक्सेस इज बैड। अभी काफी टाइम से मैंने कंट्रोल कर रखा था बट आज कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने घी डाल के खूब सारा उसको खा लिया, कढ़ी में घी डाल के। इट्स ऑसम कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पानी मांग रही है बार बार, ठीक है, कैसे दूं उसको पानी इतना सारा। टीका उत्सव, टीका उत्सव कोरोना, ये सबको पता है, ठीक है। सार्थक, सार्थक याद रखना है, इसमें दोनों आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। देखो ग्राम उजाला, उजाला का ही रूरल वर्जन है, 10 रुपए में एलईडी बल्ब आपको मिल जाएगा ग्राम उजाला में। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन को एज अ ट्यूब टॉप फ्यूल प्रमोट करने के लिए हमारा बनाया गया है। फिर अपना देखो कपिला, कपिला क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस, पीला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस, ठीक है, कपिला, ठीक है। फिर हमारा पीएमजे सेहत, पीएमजे था उसमें सेहत और ऐड किया है। टेलीमेडिसिन के थ्रू J&K में बेसिकली यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, देखो जो हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड करा के उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को फोकस करने के लिए है हमारा ये प्रोग्राम, ठीक है। स्वामित्व अपन बार बार देख चुके हैं, रूरल एरिया में, रूरल डेवलपमेंट में आता है, और उनको लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन और उनको ओनरशिप राइट्स देना, स्वामित्व, ठीक है। फिर हमारा असीम, असीम अपन देख ही चुके हैं, सोशल इनोवेशन, और ये हो गए, ये दूसरे हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी यूथ, सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन सेंटर सोजस के अंडर। स्वीप, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। हरिपथ, हरिपथ क्या है? हरे पथ पे, ठीक है, हरे पथ, पथ क्या है अपना? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे पे प्लांटेशन करना है। मॉनिटर किससे करेंगे? हरिपथ ऐप से। NRA, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, बेसिकली ये रिक्रूटमेंट आपका करेगी किसका? ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल, ठीक है। स्वास्थ्य पोर्टल, देखो एक नया है स्वास्थ्य, ये बेसिकली लिया गया है अपना ट्राइबल के लिए, उनकी जो मेडिसिन वगैरह है उनकी इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा रहेगा स्वास्थ्य पोर्टल। किसका हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। पीएम स्वनिधि, स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यहाँ पे वही जो हमारा वो चलता है पेंशन वाला, कुछ ये देंगे कुछ सरकार देंगे, दैट्स इट। उमंग आ गई थी, ई गवर्नेंस सारी की सारी एक जगह। सुरक्षा पोर्टल, ये पूछा जा सकता है, देखो अलग अलग है, ऑप्शन के हिसाब से देखना, ठीक है। सुरक्षा पोर्टल एक अपना आ रहा है, ये ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो इसमें आपके रिपोर्टिंग वगैरह रहेंगी बेसिकली एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट से संबंधित है ये, तो एलिफेंट एंड ह्यूमन। और परिवार पहचान पत्र बनाने वाला पहला राज्य कौन है अपना? नंबर 1 हरियाणा, ठीक है, तो हमारा हरियाणा है। तो ये हमारी पहली पीडीएफ हो गई है, अब हमारी है सेकंड पीडीएफ, ठीक है। सो विल टेक ए ब्रेक क्योंकि आई नीड सम रेस्ट, काफी देर हो गई बोलते हुए, आप भी थोड़ा सा खा पी लो। और अभी अपना है 20:10, तो हम मिलेंगे 9:35, ठीक है, 9:35 PM तक ब्रेक है। मोस्ट प्रोबेबली 10:30 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। I'm just checking the audio. उसके बाद अपन शुरू करते हैं. I'm just checking. Okay, so it's perfect. Now let us start. ठीक है. सेकेंड, जब बीच में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉल मी. ठीक है. अब हम फॉर करंट अफेयर, आज आपके करंट अफेयर लगभग हो जाएंगे, लगभग क्या सारे ही हो जाएंगे. ठीक है. अब कुछ सुबह इकोनॉमी में भी देख लिए थे, अभी आपको ध्यान रखना है. जैसे यूएन ये कब बना था आपका? हाँ, 24 अक्टूबर 1945. किसके थ्रू बना था? लीग ऑफ नेशन. इसके थ्रू नहीं, मतलब इससे पहले लीग ऑफ नेशन होता था, बाद में यूएन बन गया. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में. सोम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट आपकी बनी थी WHO की, ये ध्यान रखना है. इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट ITLOS. ITLOS क्या है? इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सीज. ये हमारा कहाँ है? एक सेकेंड. हेलो. ठीक, एक मिनट. हेलो. मेरे पास भी मोबाइल चल रहा है. ओके, आई होप अभी ठीक होगा. बाकी अगर ठीक नहीं है तो आप एक बार अपने लेवल पे भी चेक कर लें इसको. ठीक है, क्योंकि मेरे मोबाइल में ठीक आ रहा है. बाकी मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई और भी प्रॉब्लम होगी. बीच में हो सकता है कि बिकॉज ऑफ नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए. ठीक है. आई थिंक नाउ इट इज फाइन. तो लेट अस स्टार्ट अगेन. ठीक, तो अभी हमारा क्या है? देखो, ये हो गया इंटरनेशनल लॉ में हमारी आई है नीरू चोडा. ठीक है. उसके बाद यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होती है, उसमें जो वोटिंग होती है वो हर कंट्री की, एक मिनट, हर कंट्री की जो आपकी वोटिंग होती है वो आपकी रखी जाती है. एक वोट एक कंट्री की, यानी कंसेंसस बेस्ड आपकी वोटिंग यहाँ पे चलती है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. देन हमारा यूएन में 193 कंट्रीज हैं. इन्होंने सबसे पहले रखे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, आपके 2000 ईयर से चले थे. उसके बाद हमारे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 इनका टारगेट है. 17 इसमें हमारे गोल है. 169 आपके टारगेट्स हैं. 17 के 17 गोल अपन इकोनॉमी वाली क्लास में सारे मैंने आपको बता दिए थे. कैसे याद करना है वो भी मैंने आपको बता दिए थे. फिर आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन, ये ह्यूमन राइट्स, हेलो, देख लेता हूँ। ठीक है, अभी आई थिंक आवाज आनी चाहिए। वैसे अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट, अब मुझे डाउट सा ही लगता रहता है कि ये आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, बाकी पहुंच जानी चाहिए अब तो। हेलो हेलो, एक सेकेंड। हेलो हेलो, अभी भी कोई इश्यू है क्या? एटलीस्ट यू कैन मैसेज मी। अगर अभी आवाज ठीक आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। एक मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया है, अभी आवाज आई थिंक ठीक होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, नाउ इट्स फाइन। नाउ लेट अस स्टार्ट अगेन। वॉल्यूम थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया है, कई बार ये सेटिंग्स की वजह से हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा क्या रहेगा? चलिए चलो कोई नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, दैट इज व्हाट इज लाइफ इज। ठीक है, अब हेलो, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो अभी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो, अब हमारा जैसे ये गोल्स अपन ने देख लिए थे, ठीक है, 17169 आपको याद रखना है। फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ द समथिंग ह्यूमन राइट्स, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है, 1948, यस, ठीक है। फिर P5, हमारे जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। हमारे कौन कौन से हैं आपके? यूएस, यूके, रशिया एंड फ्रांस एंड चाइना, ये हमारे 5 रहेंगे। 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये 2 साल के लिए आपके रहते हैं, इंडिया इसमें आता ही रहता है बार बार। फिर जैसे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका कोई भी जो आपका डिसीजन रहता है वो हमारा रहता है बाइंडिंग, ठीक है। और बाइंडिंग किस पे रहता है? आपके मेंबर्स पे बाइंडिंग रहता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको ध्यान रखना है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। IMF का जो मेन काम है वो आपका लोन देना, बट शॉर्ट टर्म लोन। कौन से लोन? बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले लोन, तो ये ध्यान रखेंगे। ILO अपना कब बना है? हेलो, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।